अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में वेलकम कहते हैं। आज का एक शानदार दिन आपका मुंतज़र है और आज का दिन है, मैं आपको बताऊँ, जो हफ्ते के जो बीच के थोड़े से दिन होते हैं ना, वो दिन बड़े ही टेक्निकल होते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि वीकेंड कब आएगा, और अभी जो वीकेंड गया है उसकी भी सोचें होती हैं, आने वाले की भी सोचें होती हैं, लेकिन जो सोच दिमाग में नहीं होती वो ये होती है कि आज जो काम करना है वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। हम छुट्टी की सोच में इतना ज़्यादा भागते रहते हैं कि आज के कामों को ज़रा आधा पौना लेके चल रहे होते हैं, लेकिन ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। जो चीज़ आपने आज के लिए प्लान की है उसको आज ही करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्लानर्स बनाते हैं, मैं उनमें से हूँ। मैं हमेशा से ना एक डायरी रखता हूँ, उसमें चीज़ें प्लान करता हूँ, और हराम है जो मैं लिखूँ वो हो जाए। तो मैंने तो ये चीज़ सोची कि खबरदार कुछ मत लिखना, जो लिखते हो वो तुम नहीं करते हो। क्योंकि आप पता है, जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं ना, तो मेरे ख्याल से आप अपने जहन से उसको निकाल के दूसरी जगह पे डाल देते हैं। अब एक चीज़ जब जहन से ही निकल गई तो अब उसका क्या काम, जहन में रहनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग अपनी याद दहानी के लिए चीज़ों को लिखते हैं, सोचते रहते हैं कि भाई ये चीज़ हम करेंगे, लिखेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी। और कुछ इस तरह के बेहतरीन लोग होते हैं जिनके दिमाग में सारी दुनिया की बातें होती हैं, सारी। अच्छा, जब ये बात करो तो देखें दिमाग में कौन आया, हमारे साथ है शेफ नौरीन। गुड मॉर्निंग शेफ नौरीन, कैसे आप? बिल्कुल ठीक, अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। अब आप चाह रही कि मैं भी यही कहूँ। बहुत अच्छी लग रही है, ऑलरेडी हैं ये बात है। लेकिन मैंने देखा है नौरीन माशाल्लाह उन लोगों में से जिन पर हर कलर सूट करता है। ये चीज़ है। नौरीन, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट तो बहुत सारे कलर हैं, लेकिन फेवरेट ज़्यादा है नेवी ब्लूज एंड ब्लैक में मैं ज़रा ज़्यादा हूँ, एंड पेस्टल कलर्स। काफ़ी कलर्स मेरे फेवरेट ही है, मैं एक भी बोल सकती कि ऐसा मेरा कौन सा फेवरेट। लेकिन कभी ऐसा होता ना कि अगर आपको देखें, अगर आपको एकदम से कॉल आती है कि नौरीन यार आज मेरी बर्थडे है, तुम भूल गए हो, तुम्हें आधा घंटा है पहुँचने के लिए, तो कुछ सेफ ऑप्शन होते हैं ना आपके पास कि यार चलो ये पहन के निकल जाती हूँ। पेटल पिंक, पिंक से मैं बहुत हूँ, पिंक्स एंड पीचेस में बहुत ज्यादा हूँ। अच्छा, पीचेस एंड पिंक के अंदर। अच्छा, जिन लोगों को पीचेस एंड पिंक कलर पसंद होता है उनकी शख्सियत के बारे में आपको बताता चलो। गुस्से के इंतहाई तेज होते हैं, लेकिन ऊपर से कोशिश करते हैं कि गुस्सा ना दिखे। सही कह रहा हूँ? मैं गुस्सा इतना नहीं है असफर, लेकिन होता है। लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूँ गुस्सा ऊपर के लेवल पर नहीं, नीचे होता है। हाँ, बिल्कुल दबाए रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन एकदम से वो एकदम से गुलाबी होके लाल होके बाहर आता है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ बहुत दफा ऐसा हुआ है, लेकिन वही मैं हमेशा एक बात कहूँगी, बीइंग अ शेफ जब ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होती तो मेरा बिल्कुल पहले मैं अपने आप को थोड़ा संभालती हूँ, थोड़ा सा ना पेशेंस, लेकिन फिर जब नहीं होता तो फिर भड़क जाती हूँ। अच्छा नौरीन, मुझे एक बात बताएं, जब बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के अंदर जब आप शुरू कर रही थी काम, ऑफकोर्स आप इंटर्नशिप भी करने जाती होंगी। हाँ, बिल्कुल। बड़े बड़े किचन में जाती होंगी। अब चंद एक जगह ऐसी होती है जहाँ की इंटर्नशिप जरूरी भी बहुत होती है, उस किचन में काम करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो किचन बहुत गंदा हो, बहुत बहुत दफा ऐसा हुआ है सर। और जो हमारे जो मतलब मैं नाम तो नहीं ले सकती, लोग हेड शेफ्स होते हैं, सूप शेफ्स होते हैं, तो वो भी वो चीज़ जैसे हम सीख के आते हैं ना सर, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ सीखा हुआ नहीं। आई स्वेयर आई एम नॉट लाइंग टू यू, कुछ ऐसा लगता है। हम ज़्यादा अपने आप को ज़्यादा परफेक्शन में ले आते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिल से पैशन से जो सीखते हैं ना, लेकिन किचन बहुत गंदे, बहुत ज़्यादा गंदे, काउंटर्स इतने गंदे, लेकिन फिर हम अपने हिसाब से उनको साफ भी रखते हैं, लेकिन गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, वो फिर बर्दाश्त नहीं होता, किसी को भी नहीं होता। लेकिन नौरीन, लोग ये भी कहते हैं कि वो हमारा काम नहीं है सफाई, तो वो तो क्लीनर का काम है। मैं देखे, मैं ये बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन असफर मेरा जो है ना, मेरा आप मुझे देखते होंगे मैं किचन में जब काम करती हूँ ना, मैं अपने काउंटर भी क्लीन करती रहती हूँ। तो ये होना चाहिए, ये थोड़ी हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है भाई, आपका काम है, आपको यू हैव टू बी यू नो सफाई सुथराई, तो आपको शेफ को तो जरूरी है। देखिए मुझे एक बात पता है नौरीन, आप ये क्यों नहीं करती, जब आप वो साफ कर ही रही हैं तो थोड़ा सा यहाँ भी आ जाए। यहाँ कितना फर्नीचर और है, सबके अपने अपने काउंटर्स हैं, अपने अपने पोर्शंस हैं। नौरीन ने कहा तो मुझे क्या बता रहे हो, खुद सफाई करो यहाँ की, चलो ज्यादा फ्री होने की दैट इज योर प्लेस। लेकिन नौरीन, आपने तो मुल्क से बाहर भी काम किया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, वहाँ लोग क्या मुख्तलिफ तौर पे काम करते हैं, किचन के जो डिसिप्लिन होते हैं, तौर तरीके होते हैं, मुख्तलिफ हैं बाहर? कुछ मुख्तलिफ हैं, जैसे काले हैं हमारे जो नहीं गोरे बोल सकते या नहीं बोल सकते, आपका जो दिल चाहे बोल सकती है। मैंने कालों के साथ बहुत काम किया है साउथ अफ्रीका में, बहुत ज्यादा। हाँ, ज्यादा अफ्रीकन जो होते हैं उनके साथ मैंने बहुत किया, लेकिन वो लोग काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। देखिए हर जगह मिक्स एंड मैच चलता है असफर, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, कुछ बिल्कुल ही लेजी होते हैं, केयरलेस होते हैं। तो लेकिन सबको हम सिखा देते हैं। आपको पता है मैं ना जापान गया एक शूटिंग करने के लिए और वहाँ पे इत्तेफाक हुआ कि ऑफ कोर्स होटल्स के अंदर भी शूटिंग होती है, तो मुझे बहुत शौक था कि मैं ना लाइव जो सुशी जिस तरह वो लोग कट करते हैं बना रहे होते हैं, तो मेरी बड़ी और कुछ लोगों का एक तरीक़ाकार भी होता है दोस्ती जल्दी कर लेने का, तो मैंने कहा कि आई वांट टू विजिट द किचन ना। मैंने अब वो देख रहे थे कि उनके होटल में टोक्यो की बात बता रहा हूँ, वो देख भी रहे हैं शूटिंग हो रही है, उन्होंने खैर मुझे और जो एक फीमेल एक्टर थी मेरे साथ उन्हें अलाउ कर दिया। हम लोग किचन में गए, मैं आपको बता रहा हूँ इतना साफ किचन मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं। एग्जैक्टली। जापान में ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी स्पा में आ गया। एग्जैक्टली। धुएं उठ रहे, सफाई, पिक एंड स्पैन, एवरीथिंग क्लीन, जो खराब बर्तन भी था ना वो भी साफ, था। एक और मुझे लगता है जो अगर आप किसी भी चीज़ में अगर सफाई रख रहे होते हैं ना, तो सिर्फ वो सफाई नहीं होती, वो आपका इंटरेस्ट बताती है। इंटरेस्ट बता, पहले हाइजीन जरूरी है, हाइजीनिक तो होना चाहिए ना किचन में। मैं तो कहती हूँ हर जगह हर उस पर, लेकिन किचन में ज़रा ज़्यादा। लेकिन नौरीन, जो सड़क पे बन कबाब होते हैं या पानी पूरी होती है या इस तरह की जो सड़क पे चीजें मिलती है, वहाँ तो हाइजीन का एच भी नहीं होता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन वो कितने मजे की होती है, लेकिन मजे की बात होती है। उसके बाद जॉन्डिस भी होता है। लेकिन देखिए असफर, हम उसको भी हम केयर कर सकते हैं, लाइक उसको ढक के रखें, ढाक के रखें, तो बहुत सारी चीजें, पोल्यूशन नहीं जाएगा। अब देखिए बहुत क्रेविंग हो रही है गोला गंडा खाने की। अब आप चली गई धोरा जी, अब आपने वहाँ पे देख भी लिया कि क्या किस तरह मक्खियाँ और सड़क और मट्टी और रोड और रिक्शा। अब आप बताएं आप क्या करेंगे? अगर दिल जाएगा तो खा लेंगे। खा लेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है, और क्या खा लेंगे, है ना, क्यों नहीं। खवातीन रोज़ा, लेकिन ये जो एक बात है हम आपको हमेशा बताते रहते हैं, सफाई निस्फ़ ईमान है, और उसके साथ साथ आपकी जो जहनी हालत है वो सफाई बहुत ज़्यादा बयान करती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने आप को बड़ा साफ़ रखते हैं, लेकिन अलमारियाँ बहुत गंदी होती हैं, या उनके बाथरूम बहुत गंदे होते हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं। एक आपको बता रहा हूँ, एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बिस्तर के नीचे सामान इतना लाद देते हैं कि वो जगह नहीं बचती। आपको पता है अगर आप अपने बिस्तर के नीचे जूते रखेंगे या कोई भी इस तरह की चीज़ रखेंगे, आपको हमेशा बुरे ख्वाब आएंगे। बिल्कुल, ये एक प्रूवन बात है। आपके बिस्तर के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, आपका बिस्तर के नीचे बिल्कुल साफ रखें उस जगह को, और जो भी पुरानी चीज़ें, गत्ते हैं, पुराने किताबें है ना, वो निकाल दे घर से, खास करके लोहा तो घर से निकाल देना। एग्जैक्टली। मैं आपको पता है ना नौरीन, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अपने घरों को साफ रखेंगे ना जितना, वो आपकी जहनी सेहत को भी बेहतर करता है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सफाई रखें, अपने किचन की भी रखें, घर की भी रखें, और प्लीज़ ये मत सोचें ये मेरा काम नहीं है। अगर आप कहीं पे भी मौजूद है ना, तो वो जगह आपकी है। खास तौर पे बहुत सारे लोग हैं हमारे पाकिस्तान में, बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो कि रेंटेड घरों में रहते हैं, उनका अपना घर नहीं होता। अल्लाह ताला सबको अपना घर भी दे, लेकिन जो रेंट का भी घर है वो भी आप ही का घर। एग्जैक्टली, आप वहीं रह रहे हैं। आपको पता है कितनी अच्छी बात मैं कल सुन रहा था रेडियो के ऊपर, बीबीसी के अंदर, उसका उर्दू तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ। वो कह लेंगे कि हम लोग सारी ज़िंदगी ना अच्छे वक्त के इंतज़ार में गुजार देते हैं, और जब वो वक्त गुजर जाता है तो फिर एहसास होता है कि यही तो अच्छा वक्त था, यही तो एग्जैक्टली। और आप सोचें यही तो अच्छा वक्त है, जब आप सेहतमंद है, दो पैरों पर चल रहे हैं, अपनी मर्जी से सांस ले रहे हैं, अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं, अपनी मर्जी से लोगों की बुराइयाँ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अच्छा वक्त यही है, इसको बेहतर बनाओ। जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह को जन्नत बनाना आपके हाथ में। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे एक बहुत ही शानदार डॉक्टर है उनसे, जो कि बताएंगे कि दिल की जो धक धक है उसके पीछे क्या राज है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। बहुत सारे गानों में हम सुनते हैं दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ। ये जो धड़कन है इसके पीछे बहुत राज छुपा है। आप क्यों हंस रही हैं? कौन याद आ गया? ऐसा मैंने क्या कह दिया जो इतनी मुस्कुराहट? मुझे आपके सॉन्ग्स में कुछ याद नहीं आया, लेकिन हंसी आई है तुम्हारी दिल की धड़कन। देखिए हम लोग कितनी बार कहते हैं मेरे आधार धड़कन पे तुम्हारा नाम रख दिया। ये जो धड़कन है ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। ऑफ कोर्स आपका दिल धड़क रहा है तो आप जिंदा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो कि दिल से अपने रिलेटेड बातों को दिल में ही रखते हैं। कुछ लोग, और आप देखिए कोई भी इमोशनल बात होती है, कोई भी गहरी बात होती है, उसके अंदर दिल का बड़ा जिक्र होता है। और जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पूछता है, सबसे पहले जो बात पूछता है आपकी हार्ट हेल्थ कैसी है, क्योंकि देखिए जब आप डर रहे होते हो तो दिल डूब रहा होता है, जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है तो दिल तेज़ धड़क रहा होता है। हाँ, जब आप एकदम से किसी से डर जाते हो तो कहते हैं यार मेरा तो दिल हलक में आ गया था। तो ये जो दिल है ना ये बड़ी काम की चीज़ है और हमें अपने दिल की जो हेल्थ है उसको बेहतर रखना चाहिए। और दिल की जो धड़कन है उसको कहते हैं एरिथमिया। और एरिथमिया के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं इसके लिए आज हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यावर सईद साहब। डॉक्टर यावर सईद कार्डियोलॉजिस्ट हैं और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं एट द प्रेस्टीजियस आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से? डॉक्टर साहब मेरे गानों का तो मजाक मत उड़ाइएगा। लेकिन डॉक्टर साहब रिदमिया बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज द रिदम ऑफ द हार्ट? सो एनी हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स, तो अगर दिल की धड़कन आपकी नॉर्मल नहीं है तो उसको हम एरिथमिया कहते हैं। सो इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ समझिए हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स। तो वो स्लो भी हो सकती है, फास्ट भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है। सो दैट व्हाट एरिथमिया इज। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, ये जो दिल की धड़कन है क्या ये विद टाइम चेंज होती रहती है? क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब कोरोना वायरस का टाइम था जी जी तो मैं डॉक्टर के यहाँ गया था, मुझे खदशा बहुत होने लग गया था कि मुझे वायरस तो नहीं हो गया, क्या कोविड तो नहीं हो गया, एक खौफ होता है दिल में वो चल रहा था। तब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारा जो दिल की धड़कन है वो इरेगुलर है। जी। सो वायरल इन्फेक्शंस जैसे कोविड का ज़माना था, उस ज़माने में हमने बहुत हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स देखी हैं। सो वायरल इन्फेक्शंस भी कभी कभी दिल को असर करते हैं और कोविड अनफॉर्चुनेटली हैव इफेक्टेड काफ़ी ज़्यादा, उसने दिल की प्रॉब्लम्स की हैं लोगों में, तो उसकी वजह से भी दिल की धड़कन इरेगुलर हो सकती है। इरेगुलर हो सकती है। और डॉक्टर साहब क्या बच्चों की दिल की धड़कन डिफरेंट होती है? जब वो बड़े हो जाते हैं फिर मुख्तलिफ हो जाती है? जो बच्चों की दिल की धड़कन होती है वो फास्ट होती है, फास्ट होती है। सो जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे दिल की धड़कन स्लो होने लगती है। सो ऑन एवरेज जो हार्ट बीट है वो एनी वेयर फ्राम 60 to 100 रहती है एट रेस्ट। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो थोड़ी और बढ़ जाती है, जब आप सो रहे होते हैं तो वो हार्ट बीट स्लो हो जाती है। लेकिन ये दीज आर नॉर्मल वेरिएशन ऑफ द हार्ट बीट। लेकिन जब दिल की धड़कन इरेगुलर होती है तो वो बहुत फास्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब इरेगुलर के अंदर क्या रेट होता है? व्हाट इज द रेट नंबर? सो इरेगुलर धड़कन अमूमन फास्ट होती है, फास्ट होती है। और इरेगुलर जो दिल की धड़कन है जो कॉमन हम उसको कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। अनफॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़ा कॉज है स्ट्रोक या फालिज होने का। अच्छा, जिसमें तेज होती है, जिसमें इरेगुलर और फास्ट होती है। इरेगुलर हो और फास्ट हो। डॉक्टर साहब कुछ लोग जनरली, जिस तरह हमारी बहुत अच्छी दोस्त है शेफ नौरीन, कुछ लोग जनरली बहुत तेज होते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट भी फास्ट होती है, बात भी फास्ट कर रहे हैं, एनर्जेटिक होते हैं, मतलब एनर्जेटिक नहीं हाइपर। आई थिंक डॉक्टर साहब को लोग हाइपर ज्यादा होते हैं। मतलब अगर आप, मतलब मैं एक अच्छी तरह से कह रहा हूँ, हम लोग कभी अगर सेट पे होते हैं तो पहला जो हेलो होता है, एक लाउड हेलो, वो नौरीन का होगा। शी इज सो एक्सप्रेसिव। तो डॉक्टर साहब ये जो एक्सप्रेसिव लोग होते हैं, ऑफकोर्स उनकी दिल की धड़कन भी तेज होती होगी, क्या वो नुकसानदा हो सकती है? नॉट रियली, जरूरी नहीं है। और ख़ास तौर पे लेकिन जो लोग एनर्जेटिक हैं या समझे एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उनकी हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, तो अमूमन उनकी हार्ट बीट एक्चुअली ऑन नॉर्मल कंडीशन में रहती है और ज़्यादा बेहतर रहती है, ज़्यादा बेहतर रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब अगर हम बात करते हैं हार्ट हेल्थ की, अगर अपने दिल की सेहत की अगर हम बात कर रहे होते हैं, उसके लिए कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कि आप एज अ डॉक्टर देखते हैं कि पेशेंट्स नहीं कर रहे होते? सो एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन है हार्ट हेल्थ के लिए। जब हम जनरली हार्ट हेल्थ की बात करते हैं तो प्रिवेंशन की बात करते हैं कि भाई आप अपने खाने पीने में एहतियात कीजिए, मेक श्योर करें कि पोर्शंस कम हों, सैलेड ज़्यादा रखें, एक्सरसाइज रेगुलरली करें। ये मेक श्योर करें कि अगर आपको कोई फैमिली प्रॉब्लम है, हार्ट डिजीज़ की आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो डॉक्टर से चेक करवाएं ताकि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स असेस हो सकें, ताकि आपकी जो ऐसी बीमारियां हैं जो फैमिली में रन करती हैं वो आइडेंटिफाई हो सकें। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको पता है एकदम से अगर हम देखें तो हमें अनएक्सपेक्टेडली पता चलता है यंग डेथ्स के बारे में कि कोई 22 साल के थे, दिल का दौरा पड़ने से, कार्डियक अरेस्ट से या हार्ट फेलियर से एकदम से वो उनकी जान चली गई है। इसकी क्या वजूहत होती है? सो दिस इज़ ऑल्सो मेरा रिसर्च इंटरेस्ट भी यही है, सडन कार्डिक डेथ स्पेशली इन यंग पेशेंट्स। सो अमूमन जो यंग सडन कार्डिक डेथ्स होती हैं वो हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं जिसे हम एरिथमियास कहते हैं। सो कुछ हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स डेंजरस होते हैं, यानी कि ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसे रिदम प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से जो जानलेवा हो सकते हैं। और वो अमूमन फैमिलीज़ में रन करते हैं, यानी कि वो ख़ानदानी बीमारियाँ जिसे हम कहें वो होती हैं, जेनेटिक हार्ट डिजीज़, तो अमूमन वो अनआइडेंटिफाइड होती हैं। और अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई अक्सर ऐसे होता है कि किसी फैमिली में अगर बहुत कॉमन यंग डेथ्स हैं तो फिर वो आइडेंटिफाई होती हैं। ठीक है। सो उसमें हार्ट मसल डिसऑर्डर्स भी हैं, एक बड़ी कॉमन फॉर्म है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उसकी वजह से भी यंग डेथ्स होती हैं। इसी तरह और हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स हैं जिसमें मोस्ट कॉमन आयन चैनल्स डिजीज़ हैं, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। डॉक्टर साहब के इसके असरात बचपन में पता चल जाते हैं, नज़र आते हैं, क्योंकि अब जब इंसान यंग होता है तब तो डॉक्टर के पास इतना जाता आता है नहीं जी, उनको लगता है हम तो यंग है, मतलब जब आपको पता है अभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके बारे में पता चलता है एट 24 अभी ग्रेजुएट किया था, या डॉक्टर साहब एकदम से मतलब इवन यंगर 22-23 साल के एकदम से कोई स्ट्रोक हुआ और यू नो चले जाते हैं, तो कोई ऐसे असरात होते हैं जो पहले से नज़र आते हैं जिनको इग्नोर कर रहे होते हैं पेशेंट्स? अमूमन ऐसा ही होता है कि थोड़े बहुत पेशेंट्स को सिम्टम्स कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले आना शुरू हो जाते हैं। ख़ासतौर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो सडन बेहोश हो जाना है, मतलब आप कोई काम नहीं कर रहे और सडनली आप बेहोश हो गए, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और उसको ज़रूर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, स्पेशली वो डॉक्टर्स जो हार्ट रिदम के स्पेशलिस्ट हों। डॉक्टर साहब के घर वाले तो ये कहना शुरू हो जाते हैं ना कि अरे गर्मी ज़्यादा थी तो बेहोश हो गए, ORS पी लो, नमकियात कम होंगी। जी जी अब हाँ, लेकिन यंग पेशेंट्स में सडनली अगर फ़र्ज़ कीजिए आप गर्मी है बहुत, ऑब्वियसली आप को बुरा महसूस हो रहा है उससे पहले, लेकिन उसके लिए भी चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, और ख़ासतौर पर अगर कोई एक्सरसाइज करते हुए बेहोश हो रहा है तो ये और एक ख़तरनाक खतरे की बात। हाँ, सो एक तो सडन बेहोशी और एक्सरसाइज करते हुए अगर बेहोशी होना, चाहे वो यंग पेशेंट्स हैं चाहे ओल्ड पेशेंट्स हैं, दोनों में ये बहुत ख़तरनाक बात है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर यावर हमारे साथ मौजूद है। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। वेलकम बैक लेडीज एंड जर्मन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में हम खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर यावर सईद साहब, बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आज हम बात करें कि ये एकदम से जो दिल के रिदम है ये क्यों ख़राब हो जाता है, और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, इनकी क्या वजूहत हो सकती हैं जवान लोगों में। चूँकि हम लोग ये समझते हैं कि भाई अभी तो जवान हो, खाओ पियो, भागो दौड़ो, फिर एकदम से हमें कभी कभी एक बुरी खबर सुनने को मिलती है किसी अजीज़ की, किसी दोस्त के बारे में। इनकी क्या वजूहत होती है और वो कौन सी वजूहत हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, आज उसके बारे में भी हम डॉक्टर साहब से जान रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है चंद एक लोगों को और उसके बाद फालिज हो जाता है, मैं डॉक्टर साहब एक हिस्ट्री अगर आप रिसर्च पढ़े लोगों की तो काफ़ी दफ़ा देखा गया है कि हार्ट अटैक होता है, फिर फालिज होता है, फिर वो सही होते हैं और फिर थोड़े से दिनों में वो दुनिया से चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये पैटर्न होता है क्या कोई? जी, सो जो स्ट्रोक है, फालिज जिसे हम कहते हैं, वो स्पेशली अगर यंग पेशेंट्स में है तो मोस्ट लाइकली हार्ट इश्यूज़ की वजह से होता है। सो इरेगुलर हार्ट रिदम जिसे हम एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द स्ट्रोक, दुनिया में समझें 30% ऑफ द स्ट्रोक जो हैं वो इरेगुलर हार्ट बीट की वजह से होते हैं, और ख़ासतौर पे यंग पेशेंट्स में ये काफ़ी कॉमन है। जिन पेशेंट्स को हार्ट अटैक हुआ होता है, अगर उनका दिल कमज़ोर है तो उसकी वजह से भी दिल में क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो स्पेशली उन पेशेंट्स को जिनको प्रीवियस हार्ट अटैक हुआ है, या जिनकी धड़कन एबनॉर्मल या इरेगुलर है, जिन्हें एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। सिंपल ट्रीटमेंट्स हैं, सिंपल दवाएँ हैं, लेकिन रिकग्निशन ज़रूरी है। अगर आइडेंटिफाई कर लेंगे तो बहुत से स्ट्रोक हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें स्ट्रेस का कितना ताल्लुक होता है दिल की हालत ख़राब करने में? हाँ, तो स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी, स्ट्रेस की वजह से हार्ट का वीक हो जाना एक डेफिनेट एंटिटी है, और वो काफ़ी जगहों पे हम ये देखते हैं कि अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने कोई ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं आप और सडन आपको कोई न्यूज़ मिलती है, तो उसकी वजह से ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक बीमारी है उसे कहते हैं, उसकी वजह से बीमारी है। हाँ, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। उसमें क्या होता है डॉक्टर साहब? तो दिल कमज़ोर हो जाता है एकदम से। और लेकिन उसकी रिकवरी यूजुअली अच्छी होती है। डॉक्टर साहब दिल कमज़ोर, जब आप कहते हैं कि किसी का दिल कमज़ोर हो गया है, तो उसमें कमज़ोरी के क्या आसार होते हैं, आपको कैसे पता चलता है? सो कमज़ोरी के आसार ये होते हैं कि एक तो चलने में मुश्किल होगी, सांस चलने में सांस फूलने लगेगा, पाँव में सूजन पैदा हो जाएगी और धड़कन इरेगुलर या तेज़ हो जाएगी और बेहोशी, यानी कि एकदम से पेशेंट बेहोश होने के इम्कान होते हैं। तो तीन मेन प्रॉब्लम्स हैं, सांस लेने में तकलीफ़ होना, चलने में थक जाना जल्दी और पाँव में सूजन का होना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक काफ़ी सारे लोग इस बात को भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें पैनिक अटैक होता है। जी जी। और एकदम से एक इतनी एंजाइटी उनकी बढ़ जाती कि दे गो ब्रेथलेस, और उसी दौरान उनको एक सिवियर बिल्कुल एक पियर्सिंग पेन होता है दिल में, जैसे कोई सुई की तरह चुभता हुआ दर्द होता है। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजूहत होती है? सो पैनिक अटैक अगर उन्हें हो रहा है, वो एंग्जाइटी के मरीज़ हैं, तो वो तो ऑब्वियसली पैनिक अटैक की वजह से अगर वो सांस जल्दी जल्दी ले रहे हैं तो जिससे में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनको ये सारे सिम्टम्स होने लगते हैं। लेकिन कभी कभी दिल की धड़कन जो फास्ट हार्ट बीट अगर किसी की एकदम से हो जाए तो उसकी वजह से भी लोगों को ये महसूस होता है कि उनका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है एकदम से, और अगर एकदम से दिल किसी का दिल तेज़ धड़क रहा है तो वो हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है। सो कभी कभी ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनको फास्ट हार्ट बीट होती है, उनको लेबल कर दिया जाता है कि उन्हें पैनिक अटैक्स हैं। ये गलत है, ये गलत है, गलत है ना, बिल्कुल गलत है। और डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से सेल्फ एनालिसिस में लोग करते हैं। हाँ, सेल्फ एनालिसिस भी करते हैं, और क्योंकि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो हम ये जो वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं हार्ट रिदम वीक, ये अवेयरनेस के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स की रिकग्निशन कैसे की जाए, उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ताकि कुछ कभी कभी तो हम पेशेंट्स को देखते हैं 15-15, 20-20 साल से हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स के साथ जी रहे हैं और आइडेंटिफाई नहीं हुआ, और वो जब आइडेंटिफाई हुआ तो उनकी ज़िंदगी बदल जाती है, बदल जाती है। अब डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, इनिशियली जिस तरह लोग जो स्ट्रेस से गुजर रहे होते हैं उनका दिल कमज़ोर हो चुका होता है क्या, इन्हीं पैनिक अटैक्स की वजह से या इन सोचों की वजह से, या इसकी कोई और वजह होती है कि अगर कोई बीमारी है या दिल का कोई डिसऑर्डर है तो आपको पैनिक अटैक्स हो रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है? हाँ, सो देखिए डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स ये एसोसिएटेड हैं हार्ट डिसऑर्डर्स के साथ। ठीक है, ठीक है। अगर कोई फ़र्ज़ कीजिए डिप्रेशन का मरीज़ है तो उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक होगा। अच्छा। उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसका दिल कमज़ोर होगा, उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि उसको हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स होंगे, उसको ज़्यादा चांसेस हैं कि अनफॉर्चुनेटली उसको दूसरी बीमारियाँ भी होंगी। सो डिप्रेशन या एंग्जाइटी या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इटसेल्फ फिज़िकली भी पेशेंट्स को कमज़ोर कर सकती हैं। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अदर वे अराउंड एज वेल, कि पेशेंट्स को अगर फर्ज कीजिए हार्ट का कोई प्रॉब्लम है और वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो वो उसकी वजह से भी डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दिल की हालत बेहतर रखने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें एक यूजुअली एक नॉर्मल इंसान को करनी चाहिए? क्योंकि जब हम हार्ट अटैक की बात करते हैं तो 2-3 वजूहात की बिना पे जो लोग खुद समझते हैं, मैं बिल्कुल एक ले मैन पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, जो लोगों का आवाम का जो पर्सपेक्टिव होता है कि भाई बहुत भाग दौड़ की सीढ़ियाँ बहुत ऊपर नीचे भागे थे तो दिल का दौरा पड़ गया, या फिर कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो तो भाई उन्होंने इतना घी खाया हुआ था कि उनको दिल का दौरा हो गया। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से वाकई में आपको एक दिल का दौरा हो सकता है? डॉक्टर साहब साइलेंट अटैक क्या होता है और हम किस तरह इन चीज़ों से बच सकते हैं? सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल हमारी सोसाइटी में कॉमन होती जा रही है वो है स्मोकिंग। ठीक है, और डिफरेंट तरीके की वेपिंग कॉमन होती जा रही है, जर्नल स्मोकिंग है। सो कुछ चीज़ें जो हार्ट अटैक में हैं वो हम खुद प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं उनसे। सबसे पहले स्मोकिंग है, दूसरी खाना। सो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो खाना आप लें वो बैलेंस डाइट हो, उसमें ज़्यादा घी और तेल का इस्तेमाल कम से कम हो, सैलेड या समझे फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा हों। ठीक है, सो उसमें अमूमन आपको अपनी जो डाइटरी या खाने की जो हैबिट्स हैं उसमें चेंज ये करना चाहिए जो आप मुस्तकिल या सारी ज़िंदगी उसको जारी रख सकें। तो पोर्शंस कम कर दें, अपने खाने में सैलेड या फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें, स्मोकिंग नहीं करें, मेक श्योर करें कि जो बाहर का खाना है वो कम से कम यूज़ करें। इसकी क्या वजह डॉक्टर साहब, मतलब बाहर के खाने में क्या गलत होता है? एक चीज़ जो अमूमन हम कॉमनली ऑब्जर्व करते हैं वो ये कि जो तेल है वो बार बार एक ही तेल में बार बार पकना होता है तो वो ऑब्वियसली उसमें समझिए बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। सो अगर ऑब्वियसली कोई अच्छी जगह है जहाँ ऑब्वियसली आप खा रहे हैं तो उसमें ये अमूमन हम नहीं देखते, लेकिन जो अगर बार बार एक ही तेल में खाना पक रहा है तो उसकी वजह से जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो सेहत, दिल की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और लाइफ जो है वो आपकी सीडेंट्री, यानी कि बिल्कुल काउच पोटैटो नहीं होने चाहिए, आपको कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़े, एक्टिव रहनी चाहिए। सो ये तीन चीज़ें हैं जो आप अगर ख्याल रखें तो आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, मल्टीविटामिन बहुत सारे लोग खाते हैं, इन रेगुलरिटी खा रहे होते हैं और चंद एक ऐसे लोग भी हैं जो कि हर चीज़ के हिसाब से एक अलग मल्टीविटामिन खाते हैं, स्किन की, बाल की, वाइटालिटी की, अलग अलग खा रहे होते हैं। इसके क्या दिल पे कोई असर पड़ता है? हाँ देखिए, वाइटामिन भी डिफरेंट तरह के होते हैं। अगर किसी को वाइटामिन डिफिशेंसी है तो ऑब्वियसली उसको ज़रूर मल्टीविटामिन लेने चाहिए, लेकिन जिसको डिफिशेंसी नहीं है उसके लिए वो वाइटामिन ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जैसे ख़ास तौर पे ऐसे वाइटामिन जो फैट सॉल्युबल, कुछ वाइटामिन डिफरेंट जैसे वाइटामिन ए है तो अगर वो ज़्यादा आप लेंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। ठीक है। और मसाइल भी हो सकते हैं। तो अगर कोई डिफिशेंसी आपको प्रॉब्लम है तो यस आपको लेनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो फिर रेगुलरली इसका कोई ख़ास सेहत पे असर नहीं पड़ता जहाँ तक रिसर्च कहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर एक कोई भी इंडिविजुअल है जिसने एक हेल्दी लाइफ अपनी गुजारी है, आपके ख्याल से किस उम्र से उसको अपने एक हार्ट के चेकअप्स पे चले जाना चाहिए? हाँ। क्योंकि पूरी दुनिया में कहते हैं कि आफ्टर 40 या आफ्टर 45 आपको अपनी पूरी बॉडी के चेकअप्स हर साल एक दफ़ा कराते रहने चाहिए। एब्सोल्युटली। तो आपने बिल्कुल सही एज बताई, 40 ईयर्स पे हार्ट की स्क्रीनिंग शुरू हो जानी चाहिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, उनको 40 ईयर्स पे हार्ट की स्क्रीनिंग शुरू होनी चाहिए। और लेकिन एक स्टडी इस वक्त हो भी रही है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि क्या जो एशियन पेशेंट्स हैं उनमें ये स्क्रीनिंग अर्ली होनी चाहिए, क्योंकि यही वजह जैसे आप बता रहे थे कि यंग पेशेंट्स को स्ट्रोक होना या यंग पेशेंट्स को सडन हार्ट होना, तो क्या वो एक अर्ली एज पे होनी चाहिए या नहीं। लेकिन डेफिनेटली 40 ईयर्स इस वक्त जो रिकमेंडेड एज है वो ये है कि 40 ईयर्स और उसके बाद आपकी हार्ट स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अच्छा और डॉक्टर साहब एक और सवाल, जो कुछ लोगों को एकदम से दिल में दर्द उठना शुरू हो जाता है कि मुझे बस मतलब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही उतरी तो मेरे दिल में दर्द हो गया, या एक कभी गाड़ी चलाते हुए कि एक कभी कभी पेन आता है और चला जाता है, क्या वो खतरे की अलामत है? हाँ, सो कोई भी दर्द जो 15 मिनट से ज़्यादा है और ठीक नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पर अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं तो दर्द हो रहा है, उसको हल्का नहीं लेना चाहिए बिल्कुल। अच्छा हाँ, so then you need checkup. Then you need a checkup. और डॉक्टर साहब ये जो एक मिसकंसेप्शन होता है, आई डोंट नो वेदर इट्स अ मिसकंसेप्शन और नॉट, कि गैस थी तो उसकी वजह से मेरा दिल में दर्द हो गया, दिल भारी हो गया, दिल डूब गया, क्या ये मिसकंसेप्शन है डॉक्टर साहब? ये गैसेस का अमल होता है? ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है बिल्कुल हमारे यहाँ, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम्स पेट से रिलेट कर दिए जाते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली आइडेंटिफाई होते हैं कि वो हार्ट का प्रॉब्लम्स है, इंडिजेशन ख़ास तौर से। सो इंडिजेशन अगर किसी को हो रही है तो वो ये समझता है कि मुझको इंडिजेशन, लेकिन हो अनफॉर्चुनेटली हार्ट अटैक हो रहा होता है कभी अक्सर। सो अगेन इंडिजेशन हो रही है, आपको हार्ट बर्निंग हो रही है, महसूस हो रहा है कि भाई बर्निंग तेजाबियत हो रही है और वो अगर 15-20 मिनट में ठीक नहीं हो रही तो और खाने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है तो डोंट टेक एनी रिस्क। ठीक है। अच्छा और डॉक्टर साहब कोई ऐसा विटामिन या कोई ऐसी डाइट में चीज़ ऐड करें, चूँकि चंद एक लोग होते हैं जो कि किसी बीमारी के बाद एक ट्रॉमा में आ जाते हैं और फिर उनको एक खदशा, एक खौफ रहता है और वो कहते हैं कि हमारा दिल बस अब बहुत कमज़ोर हो गया है, कहीं भी रिस्क लेने से डरते हैं, बाहर आने से भी डरते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उनके गार्ड्स अप होते हैं कि वो कोई भी चीज़ खाते पीते नहीं है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसी चीज़ जो करें, कोई एक्सरसाइज ऐसा करें जिससे यू नो दे कैन कम बैक टू नॉर्मल लाइफ। सो देखिए हार्ट हेल्थ जो है ना वो किसी एक चीज़ से इम्प्रूव नहीं हो सकती। ठीक है। तो इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जिसमें आपकी डाइट इम्पॉर्टेंट है, जैसे स्मोकिंग की हमने बात की वो इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है, एक अच्छा माहौल इम्पॉर्टेंट है। सो ये सब चीज़ें टुगेदर हार्ट की हेल्थ को बेहतर करती हैं, क्योंकि अगर फर्ज कीजिए एक ही चीज़ होती तो बस आप वो ना करते और सही हो जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग होते हैं जिनका दिल काला होता है, उसके लिए क्या हो सकता है? आप मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? मैं तो नहीं आया, मैंने इनका नाम लिया। डॉक्टर साहब का मैंने किसी का नाम लिया बताए, मैं तो एक जनरल बात की थी, मैं तो एक नॉर्मल बात कर रहा। आपने मुझे देख के क्यों बोला? मेरा दिल काला है। मैं तो देख रहा था कि आप क्या बना रही हैं, आप क्या बना रही हैं आज? हम आप बताइए मैं क्या बना रही हूँ। डॉक्टर साहब से पहले बात करूँ। डॉक्टर साहब ये भी तो होता है ना, अभी कितनी दफा सुनने में आता है यार इनका दिल बहुत काला है। मैंने कहा चले इसका भी डॉक्टर साहब से कोई इलाज पूछते। बट डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। खवातीन और आजाद वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे आज हमने दावत दी है हकीम शाह नज़ीर साहब। सलाम हकीम साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आप बताएं आज क्या कर रहे हैं, इतने सारे बीज जमा किए हैं आपने? जी बिल्कुल, आज बीजों से हम बताएंगे कि आप अपनी ब्यूटी का किस तरह आप ख्याल रख सकते हैं, अपनी स्किन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और साथ में हार्मोन्स को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं और अपना वेट किस तरह कम कर सकते हैं बीजों से। बीजों से, अरे वाह जबरदस्त। और इसमें एक बीज ऐसी है जो आपकी मेमोरी के लिए बेहतर है लेकिन बहुत ही आसान है। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अच्छा हकीम साहब, आपके लिए बहुत सारे सवाल हमारे जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो हमें इनबॉक्स कर देती है, तो हमने कहा आपसे साथ साथ वो भी हम पूछते रहेंगे। जिस तरह मिसेज़ कयूम ने इस्लामाबाद से पूछा है कि मेरे चेहरे पे प्रेगनेंसी के बाद छाइयाँ आ गई हैं, हर मुमकिन कोशिश कर ली लेकिन छाइयाँ नहीं जा रही, इनकी उम्र है 22 साल। जी बिल्कुल, देखिए आफ्टर प्रेगनेंसी छाइयाँ भी आ जाती हैं, बाज़ लोगों की स्किन लूज़ हो रही होती है, चेहरा भी लटक जाता है और ओपन पोर्स नुमाया नज़र आने लग जाते हैं, कलर डिम हो जाता है। ये अब जो मैं रेमेडी बना कर दिखा रहा हूँ, आप ये इसे हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो। जिनके भी फेस पे पिगमेंटेशन यानी धब्बे हो रहे हों, बटरफ्लाई की तरह धब्बे हों, ओपन पोर्स हों या वाइट हेड ब्लैक हेड्स हों, कलर दो टोन हो रहा हो, ये उन सब के लिए बेहतर रहेगा। और हमने इसमें लेनी है टोटली 3-4 चीज़ें। आपने ये भिंडी आप खाते हैं, ये उसके बीज हैं और ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और ये तुख्म उटंगन है, तुख्म उटंगन, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये अनार के फूल हैं, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और इसमें हम डालेंगे उपटन, उपटन हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए और इसमें अगर आपके पास दूध हो आप दूध में इसका पेस्ट बनाएं, अगर दही है दही में बनाएं या अर्के गुलाब में बनाएं। हम यहाँ पे अर्के गुलाब यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से नरम सा पेस्ट बनाएं और हकीम साहब ये पूरे चेहरे पे, हाथों पे, ये पूरे चेहरे पे, हाथों पे, गर्दन पे और ये सब पे आप लगा लें। सिर्फ आधा घंटा लगाना है, आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करना है और हल्के हाथ से रब करना है, 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है या हाथ पांव धो लेना है। आप देखिएगा पहली एप्लीकेशन में आपको कितना फ़र्क आता है। इस तरह दूसरी एप्लीकेशन, कम से कम 2 एप्लीकेशन करेंगे तो आपका एक शेड साफ़ हो जाएगा और आस्ते आस्ते ये साफ होना शुरू, मुकम्मल साफ हो जाए। आप इससे रोक दें, दोबारा आपको छाइयाँ नहीं पड़ेंगी। लेकिन याद रखिएगा, कितने अरसे तक करते रहे? ये 1 महीना कर लें, 1 महीना रोज़ाना, रोज़ाना 1 टाइम करना है। और पानी का टेक ज़्यादा रखिए, पानी हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिया करें और कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़रा कम करें। अच्छा, ये अमीना ने हमसे लाहौर से पूछा है, हकीम साहब कह रही हैं कि मैं अपनी ओरल हेल्थ का बहुत ख्याल रखती हूँ, दांतों का, सफाई का, लेकिन फिर भी मुंह से एक भाप, एक स्मेल सी है जो नहीं जाती। जी जी, देखें जिन लोगों के भी मुंह से स्मेल महसूस हो रही हो तो मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये 3 चीज़ें हैं। मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री, ये तीनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम खाना खाने के बाद पानी के साथ लें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते मुंह की स्मेल इनकी ख़त्म हो जाएगी और पेट का निज़ाम भी बेहतर हो जाएगा। तो हकीम साहब मुंह से स्मेल आने की वजह क्या? 3 रीज़न्स होती हैं मुंह से स्मेल आने की। अगर आपका मैदा ख़राब होगा तब आपके मुंह से स्मेल आएगी, अगर आपके दांत ख़राब होंगे तब मुंह से स्मेल आएगी, अगर आपकी नाक बंद हो, गले में रेशा गिरता हो तब मुंह से स्मेल आएगी। अच्छा, तो ये जो मगज़ धनिया, सौंफ और मिश्री है, ये पेट के निज़ाम को बेहतर कर देती है। और दूसरा ये है कि जिसकी वजह से जो दिमाग पे रेशा जमता है, ये उसको भी ख़त्म करती है। तो मुंह की स्मेल ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू हो जाती है। अच्छा हकीम साहब, ताबिंदा ने इस्लामाबाद से पूछा है कि मैं ज़रा सा भी कुछ खाती हूँ तो पेट मेरा फूल जाता है। वज़न इनका ज़्यादा नहीं है, कहती कुछ भी खाती हूँ पेट फूल जाता है और फिर एक अजीब भारीपन की फीलिंग इनको रहती है। ये असल में ये अक्सर लोगों के साथ हो जाती है ये प्रॉब्लम। जो खाना खाते हैं, खाने के बाद एक तो पेट फूलता है, दूसरा ग्रानी आती है, भारीपन महसूस होता है। बाद लोगों को गैसेस महसूस होती हैं, उसकी वजह से उनको घबराहट भी महसूस होती है। तो ऐसी सूरत हाल में आपने टोटली 4 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहली चीज़ लेनी है सूखे लीमू लेनी है, पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। सूखे लीमू 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना 50 ग्राम, अनारदाना 50 ग्राम, इनको मिलाकर बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 दोपहर, 1 रात को खाना खाने के बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। आप देखिएगा फ़ायदा पहले ही दिन करेगी। ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आस्ते आस्ते करके छोड़ दीजिए। अच्छा, और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पेट का फूलना। लेकिन हकीम साहब, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि खाने से पहले पानी पी लो तो पेट नहीं फूलता, या कुछ कहते हैं खाने से पहले सौंफ खा लेनी चाहिए तो ये नहीं होगा। ऐसा भी कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाद लोग एंटी एसिड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी भी पी सकते हैं, खाने से पहले भी पी सकते हैं, खाने के आधे घंटे बाद भी पी सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, हमारे साथ नरगिस की कॉल है अटक से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नरगिस। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम नरगिस, हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे शाह साहब से मेरा ये सवाल है कि मेरी जो स्किन है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई है और मैं जून जुलाई के महीने में भी उसको मॉइस्चराइज रखती हूँ। अगर मैं किसी मॉइस्चराइज से फेस वॉश करती भी हूँ ना, उसमें मॉइस्चराइज होता है, लेकिन फिर भी अगर मैं उसको कोई भी लोशन वगैरह जब तक ना लगाऊँ, मेरी स्किन अकड़ी रहती है, इस तरह जिस सूखे पत्ते होते हैं। मुझे उसके बारे में भी ये पूछना था कि मैं ऐसे कौन से मॉइस्चराइजर लोशन लगाऊं जिससे मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहे। बेहतर देखें, ये अक्सर लोगों के साथ ड्राई स्किन होती है बहुत ज़्यादा। जिन लोगों को भी ड्राई स्किन महसूस हो रही हो, वो लें कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल और ग्लिसरीन। कैस्टर ऑयल, नारियल का तेल और ग्लिसरीन, ये बराबर वज़न लेके मिला लीजिए आप। फिर आप इसे आप अपने हाथ पाँव पे, चेहरे पे, आप सब पे अप्लाई करें। ये घर का एक बेहतरीन मॉइस्चराइज़र बनेगा आपका। ग्लिसरीन के साथ ग्लिसरीन और कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल। अच्छा, ये तीनों चीज़ें। हकीम साहब दूसरी कौन सी रेमेडी? देखें दूसरी रेमेडी ये है कि वेट कम नहीं हो रहा, बहुत कोशिश करते हैं, वेट कम नहीं होता। अपने वेट को बहुत ही आसानी से आप कम कर सकते हैं सिर्फ एक ही चीज़ के इस्तेमाल से, वो ये है मूली के बीज। मूली के बीज ले लें, इससे ऐसे बारीक पाउडर बना लें, जैसे ये है, ऐसे बारीक पाउडर बना लें। और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद सादा पानी के साथ लें। आप देखिएगा ये आस्ते आस्ते बढ़े हुए पेट को भी कम करेगी, हिप्स थाइस को भी कम करेगी, गर्दन के पीछे की चर्बी, ये डबल चिन, ये इसको भी कम करेगी। सिर्फ एक ही चीज़, मूली के बीज ले लें आप और इससे बारीक पाउडर बना लें और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम पानी के साथ। आप देखिएगा हर 4-5 दिनों में 1 किलो वज़न कम होता जाएगा और आप जब मुकम्मल वेट कम हो जाए वहाँ रोक दीजिए। अच्छा, और हेल्दी तरीके से? बिल्कुल हेल्दी तरीके से। आप थोड़ा सा ये कोशिश कीजिए, अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं, आप 3 टाइम खाएं, लेकिन थोड़ा भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। आधा खाना खाएं, आधा कर लें। और हकीम साहब ये खाली पेट खाना है? ये नहीं, नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद खाली पेट भी खा लें, कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। मूली के बीज हैं ये। अच्छा, लोग डाइट तो करते नहीं है, ठीक है, वो कहें हम ये खा लें हमारा वजन कम हो जाए, और अपना वही पराठे, राइस और बिरयानी खाते हैं। फिर नहीं, मैंने इसलिए अभी एक अर्ज किया कि आप भूख रख के खाएं, पेट भर के ना खाएं। जो भी चीज़ खाएं अच्छी तरह चबा के खाएं, लेकिन 24 घंटे होते हैं आपकी लाइफ में। 8 घंटे आप अपनी नींद पूरी करें, बाकी बचते हैं 16 घंटे। 16 घंटे में आपने सिर्फ 1 घंटा अपने लिए निकालना है, बाकी 15 घंटे अपने काम काज और दोस्तों के लिए निकालें। आधा घंटा आप वॉक करें, 1 घंटा वॉक करें, 1 मिनट में 62 कदम हो, आधे घंटे की वॉक करें। आप देखें आपसे स्मार्ट और आपसे हेल्दी, आपसे एक्टिव कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही बताते हैं, एक्सरसाइज करो तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर, उससे नींद भी बेहतर हो जाती है और दूसरा स्ट्रेस लेवल भी नीचे आता है। और वॉक करने से विटामिन डी भी पूरा होता है। वॉक करने का जो सही टाइम है वो सूरज की रोशनी में है। अगर आपने, जैसे बाद लोगों को मैंने देखा है वो रात को 10 बजे 11 बजे भी पार्क में वॉक कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता, कार्बन ऑक्साइड मिल रहा होता है। एग्जैक्टली। और शाह साहब अर्ली मॉर्निंग वॉक ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। जैसे सुबह के टाइम में हो, अगर आप शाम में 5-6 बजे भी करते हैं तो आपको विटामिन डी मिल रहा होता है। बिल्कुल। अगर आप घास पे करें तो आप नंगे पैर भी करें, बिल्कुल कर सकते हैं ना, बेस्ट है, उसे आंखों के लिए भी बेहतर है, तो आंखों अच्छी हो जाएगी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके जवाब जान सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में वेलकम कहते हैं। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोई खुशी नहीं हुई आपको क्या देखिए? लग तो नहीं रहा, बिल्कुल खुश नहीं है। देखिए आप क्या रहे हैं, अगर इस वक्त हिना अनीस होती तो पागल हो जाते हैं। देखिए नाम का, देखिए हुमैरा नाज होती तो खुशी से भूले नहीं जमा रहे। ये देखे हकीम शाह नज़ीर कम नहीं है किसी से, ये चीज देखें हकीम साहब। नहीं अब पता चला कि मैं बाहर हूँ, वरना पहले लग रहा था मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हैं हकीम साहब। मुझे एक बात बताइए, चूंकि आप एक आपका हिकमत से ताल्लुक है हकीम साहब, खुश रहना और हंसने से क्या दिल की सेहत बेहतर होती है? देखिए जितना आप खुश रहेंगे आप दवाइयों से दूर होते जाएंगे। बिल्कुल सही बात। आप अगर टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में रहेंगे तो आप दवाओं के करीब जाते जाएंगे। तो आप अपने आप को खुश रखें। 4 दिन की जिंदगी है, इसको 2 दिन की मत करें, इसको 4 दिन पूरा। लेकिन हकीम साहब रहना तो डिप्रेशन टेंशन में कोई नहीं चाहता, लोग इतना टेंशन देते हैं, उसका क्या करें? नहीं अगर कोई भी जहन में बात आए जैसे टेंशन, अभी तो लाइफ है हमारे भी, मेरे भी घर पे मेरी बहू है, मेरे पोते हैं, सब है। मैं इतनी बड़ी टेंशन की वजह भी आप बता रहे हैं? जी हाँ, बहुएं हैं, ये मैंने तो नहीं कहा। लेकिन जब कोई भी बात होती है ना, मैं पता क्या कहता हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये किसी और के लिए। किसी अपने आप को मैं बिजी कर देता हूँ कहीं पे। कितनी सही बात। तो इसलिए अपने आप को बिजी कर दें आप। लेकिन हकीम साहब मुझे बात है, वैसे एक जनरली मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, नौरीन आप अग्री करेंगी, कुछ लोग कुछ हद से ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। मतलब जिस तरह मुझे लगता है अब वक्त के साथ साथ मैं तो इतना वाटर प्रूफ हो गया हूँ, आप मुझे मेरे मुंह पे भी खड़े होके कुछ बोले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं कहूँगा भाई 2 और बोल लो, खुदा हाफिज। लेकिन कुछ लोग हैं, अगर आप उनको सिर्फ अगर एक लुक दे दें या अगर हल्का सा कोई काम कह दें जो कि उनका काम ना हो, वो इतना बुरा मान जाते हैं हकीम साहब। वजह ये है कि माजी में अगर बहुत ज़्यादा टेंशन गुजरी हूँ, फिर उसके बाद पेशेंट जो है वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है। डिप्रेशन, टेंशन, कोई बात सुन लेता है उसके 10 मायने निकालता है और वहम करता है कि कहीं ऐसा ना हो, ऐसा हो जाए। फिर उसे डर खौफ महसूस होता है, घबराहट, बेचैनी होती है। अच्छा भूलने की शिकायत भी हो जाती है साथ में। और जब कहीं बैठे हुए होते हैं या रात के टाइम पे या कहीं पहर ऐसा होता है जिसमें फ्री हो गए वो, तो उसके बाद दिमाग ऐसे चल रहा होता है जैसे एक फिल्म की तरह चल रहा होता है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जिन लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है, जिनका दिमाग एंजाइटी की तरफ है, किसी चीज़ में मुतमईन नहीं होते हैं और रोने को दिल करता है, तो वो एक चीज़ आती है, ये कद्दू के बीज। कद्दू के बीज ले लें, इसे साफ़ करके बारीक पाउडर बना लें, एक चाय वाली चम्मच 1 गिलास दूध में मिलाकर पिएं। ये रात के टाइम पे पिएं आप तो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि ये जहन को सुकून भी देती है, आपको नींद भी बेहतर हो जाएगी, मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग चलना, बातें सोचना, ये वो चीज़ भी कम हो जाएगी आपकी। और आपको जैसे बाज़ लोगों की शॉर्ट मेमोरी जो है वो ख़राब हो जाती है, बात करते करते बोलते हैं कि यार मैं क्या कह रहा था, भूल जाते हैं। तो ये वो चीज़ भी आपकी बेहतर होती है। दिमाग पे एक प्री ऑक्यूपाइड होता है, 100 चीज़ें चल रही होती हैं और बात करते करते बात भूल जाते हैं। कहते हैं मैं कुछ कह रहा था, कहाँ था मैं, बोलते हैं आप फलां जगह थे। अच्छा, फिर दोबारा स्टार्ट लेता है अपनी बात का। तो ये वो चीज़ भी बेहतर हो जाएगी उनकी। हकीम साहब जिस तरह अब एलोपैथी में इतनी सारी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं जो कि अगर आप वो खाते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, हंसते ज़्यादा हैं, खुश ज़्यादा रहते हैं, क्या हिकमत में भी कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल बिल्कुल ऐसी चीज़ है। देखें इसमें जब सारी बात है, आपको चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत आ रहा है, आप छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाते हैं, तो आप बाज कहते हैं यार कभी तो मैंने इसको हंसते हुए ही नहीं देखा। तो एक बीज आते हैं मगज़ फिंदक, वो आपको यानी हैप्पी रखेगी। और वैसे आमतौर पे अगर आपको ज़्यादा खुश रहना है तो चॉकलेट खाया करें। हाँ हैप्पी होता है। आप क्या खा रही है? ये इन्हीं की वजह से चॉकलेट का भाव बढ़ गया है। बहुत खा रही है, देखें हर वक्त। मैंने भी बहुत मना किया मत खाए। मैं तो चॉकलेट खाती ही नहीं हकीम साहब, मैं नहीं खाती। अगर मैं खाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी मुझे? अरे नहीं शेफ नौरीन, एक बात है, अल्लाह पाक ने आपके हाथ में बहुत अच्छा जायका दिया है, लेकिन आपने अल्लाह ने आपको एक अच्छी मुस्कुराहट भी दी है। हाँ माशाल्लाह, जो कि एक तोहफा होता है। जो कि तोहफा, मेरे ख्याल से मुस्कुराहट एक तोहफा है जो कि आपको सब में पहला चाहिए। लेकिन हकीम साहब, मैं वैसे भी अगर कभी सोच रहा होता हूँ, ये आई थिंक एक सोसाइटी की भी कभी कभी हमको बात कर लेनी चाहिए आपके कॉल्स के अलावा। मैंने ये चीज़ देखी है कि जब लोग ज़्यादा कामयाब होते हैं तो उनका मूड ऑफ रहने लगता है। आप देखिए, कोई भी अगर आप किसी महफिल में हो, कभी अगर कोई बड़ा आदमी आए तो वो बड़ा आदमी गुस्से में ही आएगा, और वो बड़ा आदमी पूरा दिन गुस्से में रहेगा और एक भरम में रहेगा। मतलब अगर कोई आदमी अब बड़ा आदमी बन गया है, मतलब बड़ा आदमी की भी डेफिनेशन हमारे यहाँ पैसे ही होता है कि भाई वो अमीर बहुत हो गए। तो जब आपने एक अपने गोल अचीव कर लिए, आप एक पॉइंट पे पहुंच गए, तो आप फिर खुश क्यों नहीं है? मतलब कोई बड़ा आदमी हो तो फिर तो वो हंसे, जोक ज़्यादा कर रहा हो, लोगों को खुश रख रहा हो। आप देखें, ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी, कोई बड़ा आदमी हो तो वो बैड मूड में। असफर भाई, इसमें मैंपन आ जाता है कि मैं हूँ बस, और फिर उसके बाद वो किसी को कुछ, हर एक इंसान को कम समझने लग जाता है। तो वो अल्लाह को पसंद नहीं है। Exactly. आपने हमेशा सबको साथ लेके चलना है। अगर जितना बड़ा नाम हो जाए, आप जितना लोगों को साथ लेके चलेंगे, आप हिसाब लगा लें, अगर एक आदमी के साथ अच्छा करोगे तो 10 देख रहे होते हैं, 10 दुआएं देते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए दुआएं बढ़ती जाती हैं और आप और बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर इस तरीके से मैंपन आ गया तो फिर आप कुछ अरसे गए नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ, उस मैंपन की वजह से वो अपना भी तो दिन खराब कर लेते हैं। आप हर वो गुस्से में बैठे हुए ऑर्डर पास करें, मतलब ना हंस रहे हैं, चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हमेशा जो है। खाके इंसान कुछ भी नहीं है। आज हम यहाँ हैं, कल हम कवर में, तो हम अच्छा करें तो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल जाना तो वहीं है, चाहे अच्छा करें या बुरा करें, क्यों ना हम अच्छा करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल सही बात है। है ना, जो ज्यादा मैं करता है वो छुरी के नीचे आता है, लाइक अ बकरा बकरी। वाह 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 वाह, शेफ नौरीन के अखवाले जरी, जो ज्यादा मैं करता है वो छुरी के नीचे आता है। हमारे साथ समीना है पेशावर से, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक है जी। आप अपनी डाइट को जरा बताओ, नहीं कितने स्मार्ट हैं आप हैं, माशाल्लाह। मतलब आप ये अच्छे स्मार्ट जिम वगैरह करते होंगे आप तो। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हकीम साहब पहुंच गए। आवाज बिल्कुल कम आ रही है, बिल्कुल। हेलो, क्या नाम था? कम आ रही आवाज। अच्छा, हेलो जी, आपको आवाज आ रही है समीना? हकीम साहब मौजूद है, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि वो मेरी कजन है ना, तो उसको ना बाल तोड़ जो होते हैं ना, बाल तोड़ की बीमारी जो होती है, बॉयल होते हैं मोटे मोटे गैर जरूरी बाल वगैरह की जगह पे ना, तो वो उसकी वजह से मोटे मोटे मतलब दाने आ जाते हैं। तो वो पस वगैरह भी होती है, उसने कुछ ऑपरेशन वगैरह भी कराया लेकिन फिर आ जाती है उसको मोटे मोटे दाने। अगर मुझे फोन पे अभी बता दें तो अच्छा होगा, क्योंकि मैं फिर मतलब मैं दूर जा रही हूँ मुल्क से बाहर। अच्छा, देखें, मैं इनकी बात समझ गया हूँ। इनको बाल तोड़ हो जाता है जब फेशियल हेयर ये रिमूव करती हैं। तो देखो, ये इसके लिए बहुत एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इसमें बाल तोड़ के साथ साथ इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए, उसको ठीक करने के लिए अव्वल तो कोशिश कीजिए किसी स्किन के अच्छे डॉक्टर को भी एक बार दिखा दीजिएगा। और एक लकड़ियाँ आती हैं उशबा के नाम से, उशबा, इसकी 1 चम्मच के बराबर 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। 1 टाइम रोज़ाना पीना है और 1 महीने तक पीना है। इंशाल्लाह ताला ये जितने भी आपके दाने हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको एक्नी बहुत ज़्यादा निकलती है, उनके लिए भी बेहतर है, जिनको बाल तोड़ हो जाता है ये उनके लिए भी बेहतर है। अच्छा, ये क्या कहता है? पुष्पा, उशबा, उशबा, उशबा। मुझे लगा ऐसे कि शायद आप पुष्पा के। वैसे हकीम साहब, मुझे हैरत है, इतने मजे के नाम है ये सारे। हाँ, उशबा, इसका इसको उशबा, ये खून साफ करने के लिए बहुत बेहतर है ये। जबरदस्त। खवातीन और हज़रात, इसी के साथ हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़, थोड़ी सी एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिन लोगों के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, 2-2 महीने बाद होता हो, तो वो ये गाजर के बीज ले लें और ये लूत पठानी बूटी ले लें। आप इन दोनों को मिला के 100-100 ग्राम बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह पानी के साथ कंटिन्यू 2 महीने इस्तेमाल करें और मखसूस आयाम के दिनों में इसे रोक दें। इंशाल्लाह ताला आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और जो पीरियड साइकिल है वो आपका रेगुलर हो जाएगा। ज़बरदस्त। हकीम साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हो जाता है किचन क्वीन का, जिनको किसी की भी मदाखलत पसंद नहीं किचन में, सिवाय मेरे अपने। हाँ क्योंकि वो मेरा टेरिटरी है, वहाँ मैं राज करूंगी। This is my place, I am the queen, तो आपको तो पता है। बिल्कुल। लेकिन आप आ सकते हैं, अगर थोड़ा आप आना चाहें तो आप भी सकते हैं। नहीं, आज मुझे लग नहीं रहा कि मुझे वहाँ आना चाहिए। ये घास फूस से मेरा कोई ऐसी दोस्ती नहीं है जी। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं चिकन आलू करी, मतलब चिकन पोटैटो करी। साउथ इंडियन डिश है लेकिन बहुत ही मजे की बनती है। इसको राइस के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी। और ये मतलब बहुत ही साउथ इंडियन डिश है जो करी लीव्स के बगैर नहीं बनेगा। आपको पता ना, कड़ी पत्ते की अगर कहत पड़ा उसका तो आपके भी छाएंगे। बिल्कुल, मेरे घर में बहुत सारे कड़ी पत्ते ले जाओ। बिल्कुल। आपको पता, मैंने वाकई में एक दफा, मैं एक घर में शूटिंग कर रहा था तो मैं वहाँ पे बालकनी में खड़ा हुआ था, मेरा ब्रेक था, मैं खड़ा हुआ था देख रहा था, तो एक बहुत बड़ा दरख्त था कड़ी पत्ते का। मैं देख रहा था एक खातून है वहाँ पे टहनियाँ तोड़ रही है। पहले मुझे लगा कि शायद नीम का दरख्त है, लोग नीम की वो लड़ियाँ लेके जाते हैं, दांत वांत साफ करते हैं, नीम के पत्तों से दूध भी देते हैं। बाद में पता मैंने नीम का लग तो नहीं रहा, तो एक दोस्त उसने कहा कि नहीं ये कड़ी पत्ते लोग तो तोड़ तोड़ के ले जाते हैं। फिर मेरे तो जैसे गार्डन के बाहर है पूरा, तो वो तो बंचेस तोड़ तोड़ के लोग ले जाते हैं। और आप कुछ कहती भी नहीं? नहीं तो बहुत सारे ना, क्या बोलूंगी, ले जाओ। एग्जैक्टली, ले जाओ। हाँ ना, बिल्कुल सही जी। प्लीज चले जी, आज मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ आपको कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए। इसके लिए मैंने लिया 500 ग्राम चिकन है जो कि हड्डी के साथ है, विद बोन्स है। ये मैंने हाफ kg लिया है, ठीक है। ये इसके अंदर होगा चिकन। 2 से 3 इसमें बॉइल्ड एग्स हैं, आलू हैं 3 से 4 जो कि मैंने इनको ब्लांच कर लिया था, ठीक है। और इस तरह मैंने 2 हिस्सों में काट लिया था। टमाटर 3 से 4 जाएंगे। अनियन इससे मैंने 2 मीडियम साइज के लिए चॉप कर ली थी। दही 1.5 कप इसके अंदर जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा। ज़ीरा, जो साबुत ज़ीरा होता है, ये इसमें 1 टीस्पून जाएगा। गरम मसाला पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च का पाउडर है, हल्दी का पाउडर है, करी लीव्स हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, ये आप लोग वाइट राइस के साथ भी, रोटी के साथ, पराठे के साथ, किसी के साथ भी आप ये खा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मेरे घर में जब मैं बनाती हूँ तो मैं ये चावल के साथ इसको सर्व करती हूँ, वाइट राइस। अच्छा, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि हम पहले चिकन को फ्राई करेंगे, ठीक है। इसमें मैं आई थिंक 1 कप ऑलमोस्ट मैं इसमें ऑयल डालूंगी। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आप बाद में निकाल भी सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि चिकन को थोड़ा सा मैंने इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा गोल्डन कलर देना है, क्योंकि इसका जो जो टेस्ट आएगा वो इसी इससे आएगा कि चिकन को हमने पहले फ्राई करना है। अच्छा जी, ये हमने थोड़ा सा, हमारा ये तेल गर्म होगा, प्री हीट होगा, तो फिर मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी। और सबसे अच्छा जो आप लोगों को तरीका बताऊं, जब भी तेल गरम हो सबसे पहले आप यूँ रख लें, अगर आपके पास हीट आ रही होगी तो ये गरम हो चुका है। कुछ लोग देखते रहते हैं कि इसमें बबल्स आए, तो ज़रूरी नहीं बबल्स, आप अपना यूँ हाथ रख के करेंगे तो वो जब हीट आएगी तो ऑटोमेटिकली गरम हो चुका होगा। चलिए, मैं इसमें डालती हूँ चिकन, इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के बाद मैं चिकन को निकाल लूँगी, ठीक है। ये इसका एक थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका है इसको बनाने का। चिकन को थोड़ा सा कलर आ जाए लाइक गोल्डन सा, तो फिर मैं इसको फ्राई करके निकाल के फिर मैं इसमें अनियंस को फ्राई करूँगी, और फिर वो टमाटर के साथ, दही के साथ, फिर वो उसका पेस्ट हम ब्लेंड कर लेंगे। लेकिन चिकन को हमें थोड़ा सा फ्राई करना पड़ेगा। अच्छा, चिकन को फ्राई करने का एक और भी मकसद ये होता है कि जैसे चिकन अक्सर टूट जाती है, हड्डी अलग हो गई, गोश्त अलग हो गई ज़्यादा पकाने से। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा पकाते भी हैं तो अगर आप जिस तरह चिकन को फ्राई कर लेंगे तो वो क्या होगा, स्टिकीनेस आ जाएगी, वो चिपका हुआ, मतलब वो टूटेगा नहीं, अपनी बोन से निकलेगा नहीं चिकन। वो फ्राई में थोड़ा सा ये फ़र्क पड़ जाता है कि चिकन टूटता नहीं है। हम चिकन बनाएं या हम फिश बनाएं या हम सी फूड बनाएं, जो भी बनाएं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, स्पेशली बोनलेस। बोन्स के साथ चिकन में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़्यादा भी नहीं, मतलब जैसे कि इंस्टेड ऑफ लाइक बोनलेस और हड्डी के साथ का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अच्छा जी, ये हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। अच्छा कभी कुछ लोग होते हैं जैसे आपने बोल में चिकन निकाला, ठीक है चिकन आपने निकाला, उसमें पानी, आप उसको सबसे पहले क्या किया करें, फिर आपने ऑयल में डाल दिया तो वो ऑयल छन छन छन, दैट इज रियली हार्मफुल, मतलब वो सही नहीं होता। तो आप लोग क्या किया करें कि आप लोग थोड़ा सा टिश्यू पेपर से टैप कर लिया करें, जो किचन टॉवल होता है, टॉवल पेपर होता है, आप उससे थोड़ा टैप कर लिया करें बोल में ही, तो सारा जो पानी होगा, एक्सेस वाटर जो होगा वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। चलें जी, ये हमारा चिकन देखें थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, ये फ्राई हो रहा है इस तरीके से, यूं। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत डिफरेंट सा करी बनता है, बहुत डिफरेंट सा मज़े का बहुत बनता है। ये देखें थोड़ा सा गोल्डन होने लगा, अब हम इसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, मैं इसको चिकन को निकाल लूँगी बोल के अंदर, थोड़ा सा हम इस बोल को थोड़ा सा क्लियर अप करते हैं। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा क्लियर अप किया और अब हम इसको चिकन को निकाल देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने चिकन को निकाला, आराम आराम से, देखिए थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ गया चिकन में, और इसके जूसेस भी इसी ऑयल में, क्योंकि हम इसी ऑयल में तो हम खाना बनाएंगे, हम इसको भी, अनियंस को भी फ्राई करेंगे। जब आप अनियंस को फ्राई करेंगे आप देखिएगा कितना डिफरेंट सा टेस्ट आएगा। ये जो मैंने 2 मीडियम अनियंस ली थी, ठीक है, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अनियंस को। ठीक है, ये हमने अनियंस को इसके अंदर ऐड किया। वुडन स्पून या फिर स्पैचुला, जब भी आप नॉन स्टिक पैन्स यूज़ करें हमेशा यही वाले स्पून यूज़ किया करें, इससे स्क्रैचेस नहीं पड़ते, वरना स्क्रैचेस से फिर आपको पता है बहुत बीमारियां हो सकती हैं। हमने इसको फ्राई करना है, अनियन को गोल्डन कलर देना है, फिर जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम क्या करेंगे, ब्लेंडर में हमने टोमेटोज़, जो मैंने आपसे कहा था 3 से 4 टोमेटोज़ हैं, दही है, और ये प्याज को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर देना है, क्योंकि करी हम इसी का बनाएंगे। हमारी ये प्याज भी फ्राई हो रही है। अच्छा, मैंने इसको बिल्कुल फाइनली चॉप कर ली थी, अगर आप लोग चाहें तो स्लाइसेस में भी कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो कच्ची प्याज को पीस देते हैं, तो कच्ची प्याज को बिल्कुल नहीं पीसे, थोड़ा सा फ्राई करके पीसे, उससे टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। कच्ची प्याज का वो कच्चा पना बहुत रहता है करी में, तो उसको आपने काफ़ी भूनना पड़ता है, फिर इसमें आपको ज़्यादा भूनना नहीं पड़ेगा। चलिए जी, हमारी अनियन फ्राई हो रही है, देखें थोड़ा सा कलर चेंज हुआ, हमने बिल्कुल इसको गोल्डन फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा सिर्फ कलर देना है। चले, ये हमारी प्याज फ्राई, हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे, मैं अनियंस को निकालूंगी। ठीक है, अनियंस को हमने निकाला। अच्छा, मेरा स्पाइडर मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, ये स्पाइडर से आप आराम से निकाल सकते हैं एक साथ। ये देखें, इसमें एक्सेस ऑयल भी। चलिए, इतने में ये मेरी प्याज गोल्डन हो गई है, मैं इसको निकाल रही हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर देखें आगे क्या बनता है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने अनियन को फ्राई किया था, ठीक है, उसको मैंने निकाल लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने चिकन फ्राई करके रखी थी मैं इसमें वापस ऐड करूँगी। ठीक है, हम इसमें चिकन ऐड करेंगे, हमने इसमें चिकन ऐड करी। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये हल्दी का पाउडर है 1 टीस्पून, ये इसके अंदर जाएगा। ठीक है, ये ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। ठीक है, लाल मिर्च का पाउडर है, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, और ये नमक है एज पर योर टेस्ट, इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून। ठीक है, अच्छा, ये करी लीव्स इसके अंदर जाएंगे 6 से 8 पत्ते, और ये कुछ हरी मिर्ची हम अभी डालेंगे, कुछ हम बाद में डालेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन के लिए। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर जाएगा। अराउंड 1 tablespoon। ये दोनों जिंजर गार्लिक पेस्ट है, दोनों है इसके अंदर 1 tablespoon ऑलमोस्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा इसको चिकन को हम इसके साथ भूनेंगे। आहा, इतना ज़बरदस्त अरोमा आ रहा है। ये हमने थोड़ा चिकन को इसके साथ भूना, थोड़ा सा हम इसका फ्लेम स्लो करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने ब्लेंडिंग की तरफ। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें डालना है हमने फ्राइड अनियन। ठीक है, फ्राइड अनियन गया इसके अंदर। ये टोमेटो जो मैंने आपसे कहा था 3 से 4 इसमें जाएंगे, लाल वाले टमाटर इसके अंदर गए। ठीक है, इसमें जाएगा दही जो कि मैंने 1.5 कप लिया हुआ है, ये इसके अंदर डालेंगे हम। ठीक है, इसके अंदर दही चला गया और अब हम इसको करेंगे ब्लेंड। रहेंगे, देखिए इसकी शक्ल कितनी डिफरेंस आ रही है। ये साउथ इंडियन खाना है, उफ, ये इतने मजे की करी बनती है कि कहते हैं ना आपके घर में जो लोग आएंगे वो उंगलियां चाटते रह जाएंगे, तो वो इन खानों को बोलते हैं। ये हम कर रहे हैं ब्लेंड। हुआ ब्लेंड, अब हम डालेंगे इसके अंदर ये जो हमने चिकन में मसाले वसाले ऐड किए, तब हम इसमें ये वाला ब्लेंडेड टोमेटो, दही एंड प्याज जो हमने फ्राई करके रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, चलें जी, ये हमने यहाँ रख दिया। इसका हम फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे ताकि ये जब भुन जाएगा अच्छी तरह से, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो मैंने आलू को ब्लांच करके रखा हुआ था, क्योंकि एक करनी मैंने आलूओं को छोड़ दिया, क्योंकि जब हम इसमें सिमरिंग पे रखेंगे चिकन को आलू डाल के, तो फिर वो उसमें गल जाएंगे आराम से। चलें जी, ये देखें, ये हमारा चिकन। अच्छा, मैंने जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, वो तो मैं तो ना रोटी लेती हूँ, ना मैं राइस लेती हूँ, और ना ही मैं चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जैसे ये कड़ी, हम जो करीज टाइप चीज़ें बनाते हैं, लाइक कड़ी हो गई या इस तरह के करी, चिकन करीज हो गए या एग करी हो गया, तो मैं वो क्या कह, हलीम टाइप कोई चीज़ हो गई, तो मैं ना रोटी से खाऊंगी, ना मैं राइस से खाऊंगी, मैं डायरेक्ट स्पून से खाऊंगी। हल्का सा आपने इसमें लेमन का जूस जो होता है वो आपने स्क्वीज़ किया एंड जस्ट हैड इट विद स्पून, और वो इतना मज़े का लगता है। जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वरना जो नॉर्मल है वो राइस के साथ भी खा सकते हैं। हम ये पोर्शन हम ले सकते हैं थोड़ा सा, लाइक वाइट राइस जो होता है पानी बिल्कुल निकला हुआ, वो हम स्टीम राइस खा सकते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा पोर्शंस कंट्रोल करके। मैं आपको हमेशा एक ही बात करती हूँ, आपको जो खाना है खाएं, लेकिन पोर्शंस कंट्रोल करके खाएं, अपनी एक्सरसाइजेज भी रखें, अपनी वॉक भी रखें, तो आप कभी मोटे नहीं होंगे, ना कोई बीमारियाँ होंगी। ये ट्रस्ट में कोई बीमारियाँ भी नहीं होंगी। मेडिसिन की तरह खाना खाएंगे तो हमेशा सेहत याब रहेंगे, मेडिसिन की फिर हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं आपकी स्किन फ्रेश है, सब लोग स्किन कैसे ग्लो करती है, सुने, स्किन अपनी जगह, हम हर चीज़ को मेंटेन रखना पड़ता है। अगर आप अपनी डाइट से रखेंगे तो आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, हाइड्रेटेड रहेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। पानी ज़्यादा पिए, जूसेस ज़्यादा लें और अपना वेज सैलड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक तो गर्मियाँ भी हैं तो उसमें तो सैलड सबसे बेस्ट है, सैलड्स हो गए या प्लस छोटे मिनी सैंडविचेस बना लें, ब्राउन ब्रेड के बना लें, और दाल जैसे मिलगटानी सूप होता है, वो 3-4 किस्म की जो लेंटिल्स होते हैं उनका बनता है। अगर नॉर्मल दाल भी आप बनाते हैं तो उसको भी आप सूप की तरह पीस सकते हैं, हल्का सा उस पर आप लेमन स्क्वीज़ करें, थोड़ा सा अगर चाट मसाले का शौक है आपको, थोड़ा सा स्पाइस करना है तो थोड़ा चाट मसाला डालें। मैं तो जैसे कल मैंने अपने घर पे अपना खाना बता रही हूँ, मैंने चिक पीस बनाए थे, जो काले वाले छोले होते हैं ना, ब्लैक छोले, वो मैंने बॉईल करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि वो तो आप कितने भी दिन आप फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको निकाला, थोड़ा सा डीफ्रॉस्ट किया, हल्का सा मैंने पैन में उसको गर्म किया। ठीक है, फिर मैंने एक बोल में खीरा काटा, काफ़ी सारा, मतलब एक पूरा खीरा, और मैंने सैलड के लीव्स, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी एक हरी मिर्च, और मैंने ये काट के फिर छोलों के साथ दही में मिला दिया। दही में बिल्कुल जो हंग कर्ड होता है 2 tablespoon मैंने वो डाला, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला डाला, 1 pinch मैंने सॉल्ट डाला, सॉल्ट मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, और इसके साथ मैंने पूरा सैलड बना के खाया। इतना मज़े का, और पेट भी भर गया और हेल्दी भी, और इससे मोटापा भी नहीं। उसके बाद मैंने ग्रीन टी का जो 1 कप होता है वो मैंने पिया। कुछ लोग ग्रीन टी ज़्यादा पीते हैं, ग्रीन टी ज़्यादा पीने से हम दुबले हो जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दुबले आप, अगर आप लोग 2 टाइम भी ग्रीन टी पियेंगे दुबला कोई चीज़ नहीं करता है। आप लोग के अगर खाने में आप लोगों की वॉक होती है, आपकी एक्सरसाइज होती है, तो फिर आप अपना वेट लूज करते हैं, क्योंकि 70% आपकी डाइट होती है एंड 30% आपका ये क्या कहते हैं, 30% आपकी डाइट होती है, 70% आपकी एक्सरसाइजेज होती हैं। तो एक्सरसाइजेस का ही कमाल होता है, डाइट भी होती है लेकिन एक्सरसाइजेज 70% होता है, डाइट जो। चलें जी, ये देखिए ये भुनने की तरफ आ रहा है। कुछ लोग बस खाते चले जाते हैं कि नहीं खाने से कुछ नहीं होता, खाने से बहुत कुछ होता है, लेकिन पोर्शंस कंट्रोल करेंगे तो सब सेट होगा। डाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ब्रोकली खाएं, ब्रोकली आजकल बहुत अच्छी आई हुई है, ब्रोकली खाइए, कैबेज खाइए, बहुत अच्छा आया हुआ है। कैबेज को भी आप हल्का सा स्टीम करके खा सकते हैं, थोड़ा सा पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा लेमन जूस के साथ। अच्छा देखिए ये हमारा जो सालन है ये हमारा आ रहा है भुनने की तरफ, क्योंकि इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, ये टाइम में मैं अब इसमें डालूँगी आलू। ठीक है, ये हम आलू ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा मैंने इसमें बॉइल्ड एग्स रखे हैं, इट्स ऑप्शनल, अगर आप लोगों को डालने तो आप लोग डालिए, वरना ज़रूरी नहीं है। ये हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अब हम इसको हल्के हाथों से इसको फोल्ड करेंगे। ठीक है, हमने इसमें आलू ऐड कर दिए। अच्छा साथ साथ हम इसमें डालेंगे ये जो हरी मिर्ची हमने काट के रखी थी, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया ऐड करना है, लाइक दिस। बाकी हम ऊपर से प्रेजेंटेशन के लिए डाल देंगे। अच्छा जी, ये हमारा ऑलमोस्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 1 ग्लास। ठीक है, हमने इसमें पानी डालना है 1 ग्लास। थोड़ा सा वो सिमरिंग पे रखेंगे ताकि वो आलू जो होंगे उनके लिए, जो मैंने एक कन्नी छोड़े थे, राइट, मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए मैंने ये 1 ग्लास इसमें पानी हमने डाल दिया है, ऐड कर दिया है। इसको हम इतने सिमरिंग पे रखते हैं, जितने देर ये सिमरिंग पे होगा मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ कि मैंने किस तरह से ये चिकन करी बनाया है। मैंने इसमें लिया था 500 ग्राम चिकन। ठीक है, बोन के साथ मैंने इसमें चिकन ली थी। ठीक है, उसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ करवा ले। हाफ kg हमने मीट लिया था चिकन का, हमने फिर वोक लिया। ठीक है, इसमें हमने क्या डाला, हमने पहले चिकन को फ्राई किया। 1 कप ऑयल मैंने इसमें ऐड किया था चिकन को फ्राई करने के लिए। ठीक है, फ्राई किया, फ्राई करके मैंने इसको निकाला। फिर मैंने इसमें क्या किया, जो अनियंस मेरे पास 2 मीडियम साइज की थी उनको मैंने ब्राउन कर लिया। ब्राउन करके जब मैंने अनियन को निकाला है, फिर मैंने उसको क्या किया, टमाटर और दही के साथ मैंने ब्लेंडर में इसको ब्लेंड किया। इतने में मैंने चिकन को जो फ्राई करके निकाला था वो मैंने वापस ऑयल में डाला। उसके बाद मैंने उसमें लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्चें, नमक आपके हिसाब से, ठीक है, वो मैंने डाला इसके अंदर। लाल मिर्च का पाउडर डाला और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने पाउडर डाल के 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने इसमें ऐड करी। मैंने थोड़ा इसको भूना और जो हमने ब्लेंड किया था मसाला वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि इसको थोड़ी देर हमने इसको भूना। जब इसका ऑयल ऊपर आया तो मैंने इसमें 1 ग्लास पानी ऐड किया, क्योंकि मैंने जो आलू किए थे मैंने ब्लांच किए थे, मैंने उसको बिल्कुल बॉयल नहीं किए थे। मैंने आलू डाले उसके अंदर, फिर मैंने अभी इसको सिमरिंग पे रखा है। ठीक है, और हाफ kg मैंने इसमें चिकन का मीट लिया था जो बोन्स के साथ था, और 1 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 10 से 12 कड़ी पत्ते मैंने इसमें ऐड किए थे। ठीक है, ये सिमरिंग पे है। और फिर मैंने इसके साथ चावल, जो वाइट राइस है प्लेन, वो स्टीम किए, वो मैंने इस तरह से सजा दिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ये गरम मसाला है, ये मैं ऊपर से ऐड करूँगी, लाइक 1/4 टीस्पून। ठीक है, ये हमने ऐड करना है इसके ऊपर से, और फिर हमने इसको बंद कर देना है। और ये थोड़ा सा जो ये जो साबुत लाल हरी मिर्चें हैं ये हम इसमें डालेंगे। साबुत से बीच में से चीरा लगा हुआ है, दैट्स इट। हरा धनिया थोड़ा सा और ऐड करेंगे हम इसमें। बस हमें 1 मिनट और इसको लगेगा, थोड़ा सा ये ऑयल ऊपर आएगा, सिमरिंग पे है। ठीक है, थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आएगा। आप लोग ये ज़रूर ट्राई किया कीजिए, जो भी मैं रेसिपीज़ आपको बताती हूँ आप लोग फीडबैक दिए कीजिए, फेसबुक पे, इंस्टा पे, जहाँ भी आप लोग दे सकते हो। और प्लस जिनका ये प्रोग्राम मिस हो जाता है वो शाम को यूट्यूब पे ये अपलोड होता है ये प्रोग्राम, तो आप लोग वहाँ से भी आप लोग रेसिपी ले सकते हैं, और जो आप लोग की मिसिंग हो जाती है वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। चलें जी, ये देखें ये हमारा ऑलमोस्ट जो है ये करी जो है रेडी है। इसका जो ऑयल है देखिए ये ऊपर आ गया है। इसको ना ज़्यादा रनी रखना है ना ज़्यादा भुना हुआ रखना है, इसको बस जो थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होगी वो चावल के साथ जैसे खाने में होती है, जैसे हम सूप बनाते हैं, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा वो गाढ़ा होता है। वो इस तरह से हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपने सर्विंग की तरफ। उम्मीद है आप लोग को ये वाली करी पसंद आई होगी, आप लोग ट्राई भी करेंगे और आप लोग ट्राई करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और इंशाल्लाह आपको ये, आपकी ये करी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, ये तो आप लोग जस्ट ट्रस्ट मी, और ये एवरीबडी विल लव इट, ये बच्चे भी बड़े भी सब लोगों को ये बहुत पसंद आएगी करी। चलें जी, हम अब सर्विंग पे आ जाते हैं, हम चूल्हा बंद करते हैं और हम आ जाते हैं। अच्छा, आप लोग सोचोगे मैंने छोटे छोटे बोल्स लिए हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी किया कीजिए, क्योंकि प्रेजेंटेशन से ज़रा बड़ा मज़ा आता है खाना सर्व करने में और खाने का भी दिल चाहता है, अट्रैक्शन भी होती है। ये देखेंगे इस तरह से हमने करना है। आप लोग सोच रहे होंगे एग मैंने नहीं डाले, लेकिन मैं एग डालूंगी इनको ऊपर से, ठीक है। ये हमने यहाँ रखा, ये देखें इस तरह से ये एग जाएगा, इसके अंदर थोड़ा सा डिप होगा, ठीक है। हम दूसरे पे सर्विंग कर देते हैं। ये हो गया, इस तरह से ये आएगा, ये इस तरह से आलू हम ऊपर डालेंगे, थोड़ा सा ये नो ज़रा खूबसूरती के लिए ना आलूओं को थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए ऊपर डाल दें। ये हमारा एक और सर्विंग हो गई, ठीक है, ये हमारी एक और सर्विंग हो गई। इसके अंदर भी हम एग्स यूं करके डाल देंगे इस तरीके से, ये यूं, और ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया हम उसको स्प्रिंकल कर देंगे इस तरीके से। चलें जी, उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी, प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चले हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे और देखिए असफर के पास कौन से अमेजिंग गेस्ट हैं। Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching The Morning Star. एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। शेफ नौरीन अपना खाना पका चुकी हैं और अब आराम से कॉफी एंजॉय कर रही हैं। बिल्कुल। और इस तरह देख रही हैं उस तरफ जैसे यहाँ कोई सिनेमा पे फिल्म चल रही है। बिल्कुल। आंखें मेरी इधर उधर जा नहीं रही, अभी उस स्टॉल पे जा रही है। हाँ, आंखों में लालच की एक हवस जो है वो शेफ नौरीन के वो बहुत आया है, क्योंकि ख़वातीन और हज़रात हम आपकी मुलाकात कराना चाहते हैं पाकिस्तान की चंद शानदार ख़वातीन से जो कि अपने बिजनेसेस चला रही हैं और कुछ बिजनेसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। वर्किंग वुमेन जितनी भी पाकिस्तान में हैं उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से हमें इन ख़वातीन को सपोर्ट करना चाहिए, इनकी हिम्मत को बढ़ाना चाहिए ताकि ये आगे बढ़े, काम करती रहें और मईशत में एक हिस्सेदार बने और ख़ुद मुख्तार रहें और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और इन बेहतरीन ख़वातीन को प्लेटफॉर्म देती हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त CEO है नौरतन की बीनेश सैयद। साल को बीनेश, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बीनेश, सबसे पहले तो मुबारकबाद मैं आपको देना चाहूँगा, एक बार फिर आप इतना ज़बरदस्त एक एरे लेकर आई हैं ख़वातीन का। कोई एग्जीबिशन आप प्लान करिए अभी, क्या चल रहा है? नहीं, इसमें जो मेरी एग्जीबिशन होती है आपको पता है साल में एक दफ़ा मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें फिर हम प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू लेके चलते हैं, वेंडर्स को प्रमोट करना होता है। तो अभी मेरे पास कुछ वेंडर्स थे जिनको मैं प्रमोट करना चाह रही थी, इनका काम बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और आप खुद भी देख लेंगे अभी इनके प्रोडक्ट्स। तो बिना साल में एक ही एग्जीबिशन क्यों? बेसिकली एक एग्जीबिशन इस वजह से करती हूँ क्योंकि मेरे पास उस वक्त जो वेंडर्स आते हैं उस एग्जीबिशन में उनको हमें प्रॉपरली पूरे अराउंड कोई 8 to 9 मंथ्स हम उनको प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं उनकी, ताकि हम उनको मार्केट में प्रॉपर एंटर कर सकें। तो अब अगर मैं 20 साल में 3 से 4 इवेंट्स रखूँ तो वो फिर थोड़ा हेक्टिक होगा, फिर मुझे लगता है कि वो हर किसी के साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। कि जो मेरा एक एम है कि आप ख़वातीन को जिनमें पोटेंशियल है वो मार्केट में आएँ, वो जो काम आता है उसे दिखा सकें। तो अब मैंने एक इवेंट किया, उन्होंने मेरे इवेंट में पार्टिसिपेट किया, उसके बाद मैं दूसरी इवेंट की अपनी प्रिपरेशन में लग जाऊँ, तो और आपको पता है अराउंड कोई 1 or 2 मंथ्स लगते हैं एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में। तो बस इसी वजह से वो एक इवेंट होता है मेरा। लेकिन हाँ, मार्केटिंग ये मेरे वेंडर्स थे, इनको मैंने अब मतलब मौका देते हैं, अब आगे आएँ, किसी भी तरीके से हम प्रमोट कर सकें किसी भी मीडिया के थ्रू। ज़बरदस्त, बेहतरीन। भाई बीनेश के लिए तालियां होनी चाहिए। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं अनम मोहम्मद से जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं ब्रांड को, उनके ब्रांड का नाम है हिंट। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसी हैं आप? खैरियत से? अनम, कब से वाबस्ता हैं हिंट के साथ? 3 साल हो गए इस ब्रांड को स्टार्टअप होते हैं। तो पहले कोविड टाइम्स था तो इतना लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन अब माशाल्लाह से तीन शॉप्स भी खुल गई हैं, तीन आउटलेट्स हैं और हमारे ब्रांड में डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, अनस्टिच, स्टिच, मिक्स एंड मिंगल और कैजुअल वेयर, लाइक एवरी वैरायटी आपको मिलेगी हर कैटेगरी के लिए। उसमें हमारे पास एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें भी हैं बहुत सारी और एम्ब्रॉयडरीज में भी हम लोग वैरायटी ऑफ चीज़ों के साथ खेलते हैं और कैजुअल वेयर हैं, प्रिंटेड चीज़ें हैं, स्टिच अनस्टिच, बहुत वैरायटी है हमारे पास। अच्छा, और आप इसमें क्या किस तरह कंट्रीब्यूट करते हैं? मैं यहाँ की लीड डिज़ाइनर हूँ, लाइक मैं पूरे डिज़ाइन डिपार्टमेंट को देखती हूँ और इसमें हमारे पास और भी बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, प्रिंट डिज़ाइनर्स हैं, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनर्स हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, तो ये एक पूरे कंट्रीब्यूशन है बहुत सारे डिज़ाइनर्स की जो साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। और प्राइस रेंज क्या क्या है? प्राइस रेंज वेरी करती है हर प्रोडक्ट के, जैसे अनस्टिच आर फ्रॉम 2000 to 3000 एज वेल और कैजुअल वेयर हमारे पास आते हैं 2000 के भी होते हैं, कुछ हमारे पास जैसे एम्ब्रॉयडर्ड हैं वो 4000, 5000, 3 पीस, 2 पीस, 1 पीस सब वैरायटी होती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप बेसिकली एक डिज़ाइनर के तौर पे काम करी हैं हिंट के साथ। जी जी। अच्छा, आप हर महीने नई कलेक्शन निकालते हैं? हाँ, हर महीने एक नई कलेक्शन आती है, सीजन वाइज डिफरेंट कलेक्शंस आती हैं। ईद के लिए अभी हमारे पास अपकमिंग कलेक्शंस आने वाली हैं जो हमारी ये वाली जो सारी नई कलेक्शंस हैं जो अभी ईद पे लॉन्च होंगी, बड़ी ईद पे, तो वो हैं। और समर्स अभी समर कलेक्शन आई हुई है तो वो हमने अनस्टिच में भी रखी हैं चीज़ें और उसके स्टिच पीसेस भी हैं हमारे पास, लाइक दोनों हैं वैरायटीज। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपको शेफ़ नौरीन को ड्रेसअप करना हो तो आपके ख्याल से शेफ़ नौरीन पे क्या सूट करेगा? शेफ़ नौरीन प्लीज़ पहुँच जाए अपनी मंजिल तक जिसके लिए आप आई हैं आप। जी प्लीज़ जाइए। इन पर ये वाली कलेक्शन बहुत अच्छी लगेगी जो हमारे पास। इतना पीछे नहीं जाए शेफ़ नौरीन, आप आगे आए। जी जी, ये वाली कलेक्शन है जो हमारी 2 पीस है, शर्ट एंड ट्राउज़र है। इसमें हमने प्रिंट्स और कलर्स के साथ बहुत खेला है। इसमें हमारे पास 5 पीसेस हैं, 5 डिज़ाइन है एक ही कलेक्शन में और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, लाइक जैसे इनकी पर्सनैलिटी है जॉली सी तो इन पे ये प्रिंट्स बहुत अच्छे लगे। जॉली तो मैं हूँ। ये जब इनको ये जैली नजर आती है ना तो ये जॉली आती है, वरना जॉली तो मैं बहुत दिन से नहीं देखा। Really? तो ये कलेक्शन इन पे बहुत सूट करेगी, लाइक कैरी बहुत अच्छे से करेगी। लेकिन वैसे नौरीन, अगर आपने आप जाएं शॉपिंग करने के लिए तो आप अपने लिए कौन सा चूज करती हैं? मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स। ओके, चलिए ये आप पकड़ेंगी। अनब, आप जब हर महीने नया कलेक्शन बना रही होती है तो उसका रिसर्च वर्क क्या होता है? रिसर्च वर्क हम बेसिकली करते हैं कि क्या मार्केट में सबसे ज़्यादा इन है, कौन से ब्रांड्स में हमारे पास लोग क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं फैब्रिक वाइज। अभी जैसे गर्मियाँ हैं तो लोग ज़्यादा मोटा कपड़ा प्रेफर नहीं करते। लॉन, हम बहुत सारी वेराइटी ऑफ लॉन रखते हैं, उसमें एम्ब्रॉयडरीज और कट्स पे हम लोग ज़्यादा खेलते हैं, लाइक स्टाइल्स उसमें देते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स पे प्ले करते हैं हम लोग। कलर वाइज हम देखते हैं कि समर कलर पैलेट बिल्कुल डिफरेंट होती है, विंटर कलर पैलेट। आपके लिए आप कट्स पे ज्यादा खेलती हैं, आपके घर के पास कोई ग्राउंड वगैरह नहीं खेलने के लिए तो आप कट्स पे खेल रही हैं आप। अच्छा, ये कैसा है? जी, ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। फॉर द कलर इज रियली गुड, मैजेंटास, दिस इज मैजेंटास पिंक। आप क्या आपके क्या ख्याल है, आपकी सूट करेगा ये नौरीन पे? जी बिल्कुल करेगा इन पे। इन्होंने पीछे छुपा के रखे थे। ये हमारी अपकमिंग कलेक्शन है जो अभी ईद के लिए हमने बनाई है, जो अभी लॉन्च होगी इंशाल्लाह। वेरी प्रिटी। दिस इज 2 पीस एंड ये 3 पीस है। हाँ, एक्सेल। अच्छा, और ये रेडी टू वेयर है? रेडी टू वेयर। अच्छा, ये भी 2 पीस। क्या प्राइस रेंज है इनकी? ये तो अभी लॉन्च होंगे तो फिर तभी हम प्राइस रेंज दिखाएंगे। बाकी ये हमारे पास हैं 2 पीस हैं, ये एम्ब्रॉयडर्ड हैं और इनकी प्राइस रेंज 5000 समथिंग है। 5000 से स्टार्ट है? जी जी। और ये 2 पीस है? 2 पीस है। इनमें हमारे पास 2 पीस भी हैं, 3 पीस भी अवेलेबल हैं। लाइक कुछ लोग प्रेफर करते हैं शर्ट एंड ट्राउज़र, तो हमने ये भी ऑप्शन रखा है और दुपट्टे का भी ऑप्शन रखा है, तो ये चीज़ है। ये हमारी एक डिफरेंट कलेक्शन है। अच्छा, और वो आपके स्टॉल पे क्या चीज़ें रखी हुई है? ये भी हमारे पास कलेक्शन है पूरी। ये भी स्टिच्ड है? आई थिंक दिस इज 1 पीस। या हाँ, ये हमारे 1 पीस हैं, ये सब 1 पीस कैजुअल वेयर में आते हैं। इसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में रखे हैं कि इसमें कुछ हमने एम्बेलिशमेंट रखी हैं, कुछ में एम्ब्रॉयडरीज हैं एंड कुछ सॉलिड्स हैं, लाइक उसमें सिर्फ स्टाइलिंग वगैरह की डिटेल्स हमने दी। अच्छा, 1 पीस मतलब सिर्फ कुर्ता है? जी, शर्ट पीस है सिर्फ। और ये हमारे पास प्रिंटेड कुर्ता है ये। और इनकी क्या प्राइस रेंज है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये तो अभी हमारे पास सेल पे लगी हुई हैं ये शर्ट्स प्रिंटेड कुर्तियाँ, तो इसकी प्राइस रेंज 1000 to 1100 के दरमियान है। 1000 to 1100 quite affordable वैसे। हाँ exactly। जी नौरीन अभी मसरूफ़ है अपनी शॉपिंग करने में। हम चलते हैं नौरीन की तरफ। हमारे साथ कौन नौरीन मौजूद है, पूछे वो क्या करें। अस्सलाम वालेकुम नौरीन। और नौरीन भी उधर आ रही है। पहले नौरीन वो मुकम्मल कर। जी नौरीन अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? नौरीन आप क्या कह रही हैं? मेरा बेसिकली बेडिंग कलेक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, सारी बेड कंफर्टर्स और ये बेड शीट्स के हिसाब से सारा इसमें एम्ब्रॉयडरी भी है और ये प्लेन्स में भी है और ये प्रिंटेड में भी है, तो ये बेसिकली बेडिंग कलेक्शन है सारा मेरा। अच्छा, और आप कब से कर रही हैं, कैसे स्टार्ट किया आपने? मुझे अराउंड 3 इयर्स हो गए ये करते हुए। 3 साल? जी। और ये कैसे सफ़र शुरू कैसे? मुझे कुछ करने का था कि कुछ किया जाए, मतलब घर से बैठ कर ही कुछ किया जाए, और तो इसी तरह ऑनलाइन शुरू किया मैंने काम। माशाल्लाह अब आगे बढ़ते बढ़ते ही कि ऑनलाइन पर ही है और इनके साथ इवेंट्स में माशाल्लाह। और आप खुद बनाती हैं या आपकी कोई टीम है? नहीं नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ, मतलब हमारा अपना ही ये मैन्युफैक्चरर है और फैक्ट्री हमारी अपनी ही, तो उसी में से मतलब मैं उनके साथ मतलब कोलैबोरेशन है हस्बैंड के साथ ही। अच्छा, वेरी नाइस। और आप लोग ये मतलब एक होम बिजनेस के तौर पर? होम बिजनेस के तौर पर है हाँ। और अच्छा ये इसके अंदर कंफर्टर्स भी हैं, बेडशीट्स भी हैं? जी जी, इसी के साथ कि आपको कंफर्टर्स भी मिल जाती है। ये तो बेडशीट्स हैं विद पिलो केस, इसके साथ अगर जैसे सर्दियाँ होती हैं तो उसके साथ कंफर्टर्स हैं, जैसे ऑर्डर पर अगर बनवाना चाहें तो इसके हम 7 पीस भी बना देते हैं, 8 पीस भी बना देते हैं कंफर्टर के साथ, जिस तरह से क्लाइंट्स का ऑर्डर होता है। और सर मशीन मेड है ना? जी जी, ये 100% मशीन। जी जी जी। अच्छा, और ये एक डिजाइन एक ही डिजाइन होता है या नहीं? नहीं, डिफरेंट डिजाइन। जी जी जी, जो इसके जो ये पैच वर्क लगे हुए ना, ये डिफरेंट डिजाइन्स हैं, बीच में सेंटर पीस होगा या साइड्स पे हैं डिजाइन, तो ये डिफरेंट डिजाइन्स हैं, अलग अलग डिजाइन। और प्राइस रेंज क्या है इसकी? प्राइस रेंज की बहुत कमी है, 1500 to 2000 के बीच में सब आ जाता है। जी 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 जी। अरे वाह। और अगर कुशन कवर्स भी बनवाए तो वो भी आप बना सकते हैं, कुशन कवर्स। जी जी जी, वो कस्टमाइज बन जाता है। कस्टमाइज बन जाता है अगर आप इसकी मैचिंग की, अगर आप 7 पीस बनाना चाहें, कंफर्टर बनाना चाहें, तो वो हो जाता है। इट्स ऑल अप टू। अच्छा, ख़वातीन हज़रात, नौरीन इमरान इनका नाम है और इनके ब्रांड का नाम है बेड एंड स्प्रेड कलेक्शन। इनका जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप इन्हें फॉलो कीजिए और इनके बिजनेस को सपोर्ट कीजिए और जल्दी से जो बेडशीट्स हैं इन्हें ऑर्डर कीजिए। अब हम चलते हैं हिना बहजाद साहिबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हिना, कैसी हैं आप? सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? खैरियत से? फाइन, वेरी वेल। हिना आप क्या कर रही हैं? जी मैं मॉम्स किचन के नाम से अपना होम शेफ के हवाले से अपना रन करती हूँ बिज़नेस। प्रोफेशनली आई एम अ मॉन्टेसरी डायरेक्टर एंड दिस इज़ माई साइड बिजनेस। मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड की प्रॉपर सपोर्ट है, मेरी फैमिली की सपोर्ट है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। एक्सेलेंट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और आप क्या क्या चीज़ें? देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के फूड्स हैं जो कि मैं बिनिश के साथ भी मैंने एग्जीबिशन करी है कई दफ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा मेरा वो एग्जीबिशन भी इनके साथ। मेरे पास अभी मैंने 2 इयर्स से अपना ये फ्रोज़न आइटम्स का है, वरना मैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेसिपीज़ ट्राई करती हूँ, लाइक खाउसे है, अल्फ्रेडो पास्ता है, इस तरह के डिफरेंट ओकेजनली मैं करती हूँ, स्नैक्स प्रोवाइड करती हूँ। बिल्कुल कैटर भी करती हूँ ऑब्वियसली। और समटाइम्स ये होता है कि जैसे कोई ओकेजन आ रहा है, बर्थडे पार्टीज़ हैं, तो जस्ट लाइक मुझे ऑर्डर्स मिलते हैं स्नैक्स के लिए, तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स बच्चों के लिए या बड़ों के लिए इस तरह से मैं अरेंज करती हूँ। और दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट टाइम कि मैं शो में आई हूँ और शो के थ्रू, असफर के शो के थ्रू मुझे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला मज़ीद वो मिलेगा। और 2 इयर्स से मैंने ये स्टार्ट किया असफर और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल मेरे फ्रोज़न आइटम्स कतर, दुबई एंड सऊदी अरब माशाल्लाह से। अरे वाह, क्या बात है। दिस इज़ माई बिग अचीवमेंट। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कभी कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी इंसान काम कर रहा होता है, उसका एक मोटिव होता है उसको दूसरे लेवल तक लेके जाने का कि मैं किसी और इसको आगे तक लेके जाऊँ। आप क्या सोचती हैं इसका स्टेप 2 क्या होगा इस बिज़नेस? स्टेप 2 इसका ये है कि जस्ट इसमें मेरा यही होता है कि मैं कुछ बिग वो करूँ, जैसे कहते हैं ना इवेंट ऐसा करूँ बिग, मेरा ये वो है कि मैं एक बड़े इवेंट पे जाऊँ और बड़े इवेंट पे जाके जो है इस तरह से करूँ, क्योंकि मैं प्रोफेशनली जो है आपको पता है मैं मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स हूँ और उसमें ये होता है कि मैं ओकेजनली कर रही होती हूँ, मेरे साथ एक टीम है पूरी, मेरी सिस्टर होती है जो कि मेरे साथ केक्स का प्रोवाइड करती है। तो हमने अभी रिसेंट जो भी स्टार्ट किया वो इवेंट्स का माशाल्लाह, मॉम्स किचन के हवाले से इवेंट्स से इवेंट स्टार्ट किया। ज़बरदस्त भाई, हम अभी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और हमारी यही दुआ है कि आप और कामयाब हो। वक्त हो जाता है ख़वातीन और हज़रात, एक छोटे से ब्रेक का मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। और नौरीन जान खा चुकी हैं हमारी इन वेंडर्स की, जिनको समझ में नहीं आ रहा नौरीन की हम कैसे नौरीन के स्टैंडर्ड तक पहुँचे। नौरीन हर चीज़ कह रही सुनिए ये पिंक में नहीं है, वो कह रही नहीं येलो में है, कह रही ये ब्लू में बन सकता है, कह रही अभी तो येलो में है ना भाई। इतना मजा आ रहा था ये बातें सुन के, मैंने कहा चले वेरी नाइस। अब हम चलते हैं जी किरण नसीम की तरफ, और किरण का ब्रांड का नाम है ट्रैवर्स। अस्सलाम वालेकुम किरण, कैसे आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। किरण तो अच्छा होगा अगर आप थोड़ा ऊँचा बोलें। अच्छा किरण, कब से कर रही हैं आप ये काम? मुझे अराउंड 6 ईयर्स हो गए, 6 साल, लॉन्ग टाइम। और मैंने ऑनलाइन ही स्टार्ट किया है, और अभी भी मैं ई कॉमर्स बेस हूँ, मैं दराज पे हूँ। अच्छा। हमारा फ्लैगशिप स्टोर है ट्रैवर्स का। और नहीं मतलब आपने ये क्या सोच के शुरू किया, बैग्स ही क्यों? आप भी कपड़े डिज़ाइन कर सकती थी, मतलब कुछ भी और कर सकती। एक कॉमन सी चीज़ें जो हर कोई कर रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसे बैग्स बनाने थे जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम्पीट कर सकें, और हाई क्वालिटी होने चाहिए और चीप भी होने चाहिए, यानी अफोर्डेबल होने, इकोनॉमिकल होने चाहिए। स्कूल बैग से मैंने स्टार्ट किया था, और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अब लेडीज़ फैशन बैग के अंदर भी जाना शुरू कर दिया। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, इन 6 सालों में अगर आपको इनको सम अप करना हो, मुश्किलात क्या थी जो फेस किया? आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने एक कमरे से स्टार्ट किया था और एक मशीन से स्टार्ट किया था। मेरे पास एक स्टिचिंग का बंदा होता था। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करके कि क्या चीज़ इन है, डिजिटल उस वक्त बहुत इन था, तो मैंने डिजिटल प्रिंटेड बैग से स्टार्ट किया। और माशाल्लाह अब मेरे पास एक 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसके अंदर मेरा स्टिचिंग यूनिट अलग है, डिज़ाइनर्स अलग हैं मेरे पास, और हमारे पास इक्विपमेंट ऐसी है, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं स्टिचिंग के लिए, ताकि हमारे जो बैग्स हैं वो हाई क्वालिटी, वो फटे नहीं। बहुत हाई क्वालिटी बैग। भाई ज़बरदस्त, वेरी नाइस। दैट इज़ अ लिविंग सक्सेस स्टोरी हमारे साथ किरण की। किरण मुझे बताएं, बहुत सारी जो खवातीन हैं वो यही चाहती हैं कि जो बैग है वो पायदार रहे। जी हाँ। अच्छा, फिर खवातीन का एक नेचर ये भी देखा जाता है कि थोड़े दिन में बोर हो जाते हैं एक चीज़ से। हाँ, तो कभी ऐसा होता है कि कोई क्लाइंट आया हो थोड़े दिन के बाद, हाँ मैंने किरण ले तो लिया था लेकिन अब मज़ा नहीं आ रहा? लेकिन ऐसा बहुत दफ़ा होता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कस्टमर को कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, तो हम उसको कहते हैं कि ठीक है, यू कैन कीप दैट बैग, वी कैन गिव यू अनदर बैग फॉर दैट। अगर उनको कोई भी उसके अंदर फॉल्ट मसला हो, हमारा मेन एम है कस्टमर सर्विसेज, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ज़्यादातर करते हैं, हमारे कोई आउटलेट्स वगैरह है नहीं, इसलिए। और आई थिंक ऑनलाइन भी बड़ा एक आजकल ट्रेंड है। आई थिंक वक्त की ज़रूरत अब ऑनलाइन ही रह गई है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मुझे बात बताएं किरण, इंस्पिरेशन के लिए आप क्या कर रही होती हैं? इंटरनेशनल बैग्स देखती हैं? इंटरनेशनल बैग्स, हाँ। आई वांट टू कम्पीट एंड आई वांट टू बी बेटर देन। जो चाइना के बैग्स हमारे पास इंपोर्ट होकर आ रहे हैं ना, उससे मुझे बेटर करना है, उससे ज़्यादा अच्छा और अफोर्डेबल। अच्छा, और अभी आप कौन कौन से मटीरियल बैग्स बना रहे हैं? हम लोगों के पास हर तरह का मटेरियल होता है। हमारे पास पैराशूट भी होता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी आप देखें, ये वाली मैंने नई टेक्नोलॉजी स्टार्ट की है, ये DTF है, ये डिजिटल प्रिंटिंग नहीं है, ये डायरेक्ट टू फिल्म है, ठीक है। और ये डिजिटल प्रिंटेड बैग्स हैं। और इसके अलावा हमारा आप देखेंगे, एक्चुअली मैंने एक एग्जीबिशन की, मुझे आइडिया भी नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा आगे चली गई हूँ। लोगों ने मेरी चीज़ों को उठाया, उन्होंने कहा ये चाइना से आया है, मैंने कहा नहीं ये हम लोगों ने खुद बनाया है, हमारे इन हाउस प्रोडक्शन है, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अच्छा, और उनकी प्राइस रेंज क्या है बैग्स की? ये जैसे 1500 का है, और ये 2000 का है, ये वाला बैग 1000 का है। 1000 का? That's it। वाओ नौरीन, तो 1000 का इनसे लेके 10000 का बेच सकते हैं। सोचे ये तो कितना बेहतरीन बैग है। लेकिन सुने, ये आपने इतने अफोर्डेबल इसकी प्राइसेस रखे में, आप नुकसान में तो नहीं कर रही होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नुकसान में नहीं कर रही हूँ। यानी इसकी कॉस्ट 1000 से कम आई है? हाँ, यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि देखें मैं जब पढ़ रही थी ना, तो मुझे यही आइडिया होता था कि देखिए चाइना आज जो है ना वो दुनिया की वर्कशॉप है, बिल्कुल ठीक है। उसने ना लंदन से, इंग्लैंड से सीखा। पहले इंग्लैंड होती थी वर्कशॉप, अब चाइना हो गई है। उसने क्या किया, उसने अपने पास मैन्युफैक्चरिंग ले ली। तो मैं, मेरा ये एम है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास होनी चाहिए, ताकि जो हमारी लेबर क्लास है ना वो इतनी ज़्यादा इक्विप्ड हो जाए टेक्निकली कि वो हैवी मशीनरी के ऊपर काम करना सीखे। जैसे हमारे पास बारटेक मशीन्स होती हैं जो कि आपके बैग को बिल्कुल इतना अच्छा वो सी देती हैं कि वो निकल नहीं सकता आपका हैंडल, ठीक है। और हम लोग वारंटी भी देते हैं। अच्छा, 1 ईयर वारंटी, एक्सेलेंट भाई, वेरी नाइस। मुझे किरण आपसे मिलके बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और हमारी दुआ के ट्रांसफर्स और भी आगे जाए और आप इसी तरह कामयाब रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक बात बताएं, बीएनएच अगला एग्जीबिशन आपका कब है, कब प्लान कर रही है? अगला एग्जीबिशन इंशाल्लाह मेरा एंड ऑफ दिस ईयर है। और जो है जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये अभी बात की थी अपने बैग्स की, तो मैंने उनसे एक बैग परचेज़ किया, दैन आफ्टर 1 वीक अनदर, दैन अनदर। और वो बैग्स मेरे इतने हैवी होते हैं जब मैं कहीं मतलब शॉपिंग पे जाती हूँ तो वो बिल्कुल आपको पता है ख़वातीन की शॉपिंग ऊपर तक उबल रहे होते बैग, और वो उसी तरीके से ना मतलब कोई चीज़ इधर से उधर नहीं हुई। मैंने इनसे अपने ब्रांड के लिए बैग जो है ना बनवाया था ऑर्डर पे, बहुत अच्छी क्वालिटी और बेस्ट। इसी तरीके से ये हैं, मैंने खुद टेस्ट किया हुआ है, मतलब मेरे पास जितने वेंडर्स हैं इन सबकी प्रोडक्ट्स मैंने खुद यूज़ की हुई हैं खुद। तो मैं यही बोलूँगी आपके शो के ज़रिए कि आप लोग इनको सपोर्ट करें, इनको ऑर्डर करें, इनको फर्स्ट ट्राई दें, तो आप लोग जो है ना बहुत अच्छा। इसी तरीके से ये इनकी बेडशीट्स हैं, मशीन में वॉश हो के भी ऐसे ही रहेंगी, ये मैं वो गारंटी कर दे रही हूँ कि ये और हिंट का तो एक अपना अलग ही नाम है माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि नौरीन को एक ड्रेस गिफ्ट करूँ। अरे वाह क्या बात है जी, मैं ये ड्रेस गिफ्ट करना चाहती हूँ। थैंक यू, मुझे लगता है इनको बहुत सूट करेगा ये। थैंक यू सो वेरी मच। सुने अनम, ये वही ड्रेस है ना जो 6 साल से नहीं बिका? नहीं नहीं नहीं, या हमारी रीसेंट कलेक्शन में से है। अरे भाई ये ज़बरदस्त कलेक्शन में से। थैंक यू वेरी मच अनम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी आप बैग्स की बात कर रही थी, शेफ़ नौरीन भी है, बेहतरीन हमारी दोस्त है, बेहतरीन शेफ़ है। इनके पास एक से एक डिज़ाइनर बैग है और ये आती है भरे हुए होते हैं माशाल्लाह इनके बैग्स। मुझे लगा बड़ी भाई रिच है, इतनी बड़ी शेफ़ है, इनके इतने डिज़ाइनर बैग। खोला तो अंदर से टींडे, आलू, अंडे, दूध के डब्बे। मैंने कहा ये आप डिज़ाइनर बैग्स में ये भर के, कहती है मेरी यही दौलत है। मैंने कहा अरे वाह क्या बात है, एग्जैक्टली यही दौलत है, यही दौलत है। बट बीनेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन, थैंक यू वेरी मच। और ख़वातीन और हज़रात आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। कल फिर आपके साथ होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ, और कोशिश करेंगे कि आपकी दोस्ती इस तरह के बेहतरीन लोगों से करना, ताकि इनसे सीख के आपके दिमाग में भी जो कोई एक आइडिया है उसको आप एक कोई शक्ल दें और उससे सारी ज़िंदगी आप महसूस भी हों और उससे फ़ायदा भी उठाएं। कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।